हेलो डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग कैसे हैं आप सब लोग आई वाज जस्ट वेटिंग टू कनेक्ट टू ऑल ऑफ़ यू हम लोग बस इंतज़ार कर ही रहे थे कि कब हमारे पास में पेपर आ जाए और हम आप सब लोगों से उसको डिस्कस कर सकें उस पेपर को सॉल्व कर सकें तो आप लोग जल्दी जल्दी आ जाइए तो आज का पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं जैसा कि आप जानते हैं सारे के सारे बच्चे के ज्यादातर सवाल ज्यादातर सवाल आप सारे के सारे बच्चों को वही मिले जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे आप सारे बच्चे अगर जल्दी से जुड़ जाएंगे तो मेरे लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी आप आ जाइए जल्दी से जिससे कि हम लोग स्टार्ट करें सो कम फास्ट कम फास्ट कम फास्ट कम फास्ट जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट हम्म देखिए ये जो कोड है मेरे पास में इस कोड से हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पेपर विद दिस कोड जितना जल्दी आप लोग आ जाएंगे उतना ही जल्दी हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे आ जाइए आ जाइए मैं ठीक हूँ बेटा मैं ठीक हूँ सबसे पहले तो ये बताओ भाई पेपर हुआ कैसा पिछले दस दिनों में जो वन थाउजेंड के आसपास क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज उनमें से मिले या नहीं मिले जल्दी बताइए जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए क्वेश्चन आप लोगों को मिले या नहीं मिले एज इट इज बिल्कुल 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 सबको एज इट इज क्वेश्चन मिले होंगे एज इट इज क्वेश्चन मिले होंगे सबको ऐसा हो ही नहीं सकता कि न मिले हों सो चलिए आ जाइए आ जाइए जल्दी से आइए जल्दी से आ जाइए जल्दी से आ जाइए जल्दी से आ जाइए जल्दी से आ जाइए भाई जल्दी से आ जाइए जल्दी से आ जाइए जल्दी से आ जाइए भाई जल्दी से आ जाइए जल्दी से आ जाइए कर रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं ये मेरे पास में जो कोड है बेटा दिस कोड इज एक्चुअली एक, एक मिनट रुकिए मेरे को थोड़ा सा मैं रीऑर्गेनाइज हो जाऊं प्रॉपरली पी थ्री कोड है जिसका कि पेपर हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं पी थ्री पी थ्री है जिसको कि हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं तो आ जाइए जल्दी से कम फास्ट चलिए करें स्टार्ट करें मैं बायोलॉजी का पेपर स्टार्ट करता हूं एक मिनट रुकी जस्ट ए मिनट ये लीजिए से आपका बायोलॉजी का पेपर स्टार्ट हो रहा है आप सारे के सारे बच्चे देख रहे हैं बस 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 कर दिया बेटा स्टार्ट कर दिया कर दिया अभी सब कुछ इतना उससे हो रहा है ना चलिए सबसे पहला सवाल देखिए जल्दी से आ जाइए सारे के सारे बच्चे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट हाँ जी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है अच्छे से सबसे पहले देखिए पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज इस अपराइट इसमें पूछा क्या जा रहा है आपसे व्हाट इज बीइंग आस्ट नॉट करेक्ट तो साहब ये तो करेक्ट है पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी इज जनरली इनवर्टेड बिल्कुल ठीक है पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी इज जनरली अपराइट ये गलत हो गया तो आंसर इसमें हम क्या रखेंगे थर्ड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर सबने सही कर दिया होगा ऐसा मैं मान के चलता हूं आगे चलिए च ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोशियस इनमें से मोनोशियस प्लांट कौन सा होता है मोनोशियस तो आप समझते ही है जिसके अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट हूं तो आंसर क्या आ जाएगा इसके अंदर आपका अगेन द करेक्ट आंसर वुड बी थर्ड दैट इज कारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाईऑक्साइड फिक्सेशन इन सोरघम इज तो ये आपका कौन सा प्लांट है आप अच्छी तरह से जानते हैं सी फोर और उसके अंदर आंसर क्या आ जाएगा ओ ए ए दैट इज एसिड हाँ मैं हिंदी में भी बोल रहा हूं इनमें से कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का स्थायी उत्पाद नहीं है सोरगम में तो आंसर क्या आ गया इसमें बच्चों थर्ड देखो कोड वगैरह तुम मैच कर लेना मैं आंसर देता जा रहा हूं साथ साथ में जिस भी बच्चे का जो भी कोड हो वो फाइनली मैच कर लेना है ना तो अब ये एक पेपर मिला है बड़ी मुश्किल से इसको हम स्कैन करके आपके लिए लेके आ गए जिससे कि एक बार पेपर आपका एटलीस्ट डिस्कस हो जाए ऑफिशियली की वगैरह सब आप लोगों के पास पहुंच ही जाएगी जल्दी से आ जाइए जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन नंबर वन जीरो फोर क्वेश्चन नंबर वन जीरो फोर डाइडेडसटेमस आर फाउंड इन किसमें मिलते हैं डायाडेल्फस स्टेमन मटर में यानी कि आंसर क्या आ गया इसमें आपका चौथा फोर्थ इज द करेक्ट आंसर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर डीएनए ऑन जेल स्टेन्ड विम ब्रोमाइड व्हेन व्यूड अंडर अल्ट्रावायलेट वायलट रेडिएशन अपियर एज बायोटेक्नोलॉजी सबसे पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था एथीडियम ब्रोमाइड से देखेंगे अल्ट्रावायलेट रेज में तो उसके बाद कैसे दिखाई देंगे वो ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे आपको सबसे छोटा वाला पीस सबसे आगे चला जाता है करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसमें थर्ड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर आगे चलिए प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स दिस एबिलिटी इज नोन एज इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं बेटा प्लास्टिसिटी फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन चौथा इसमें बिल्कुल एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर आ गया आगे चलें आगे चलें किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे बात कर लेंगे पूछ लेंगे चलिए साहब वन जीरो सेवन मैच द कॉलम में आ गए हैं हम लोग तो मैच द कॉलम में एक मैच कर लीजिए सो ही आंसर आ जाएगा प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन किस में होता है आपका प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन किसमें होता है आपका प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन यह आ गया आपका थर्ड थर्ड इज द करेक्ट आंसर थर्ड इज द करेक्ट आंसर इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट अच्छा ठीक है इसमें से आर क्या है आपके आर इज नथिंग बट द रेस्पिरेशन लॉसेज फर्स्ट फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ठीक है कोई परेशानी तो नहीं है किसी को यहां तक द प्रोडक्शन ऑफ गैमिट्स बाय द पेरेंट्स फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स द एफ वन एंड एफ टू प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम डायग्राम नोन एज अब ये तो किसी बच्चे ने गलत नहीं किया होगा ऐसा मैं मान के चलता हूं करेक्ट आंसर वुड बी इन वन जीरो नाइन फोर आगे चलिए वन जीरो टेन पर आ जाते हैं वन जीरो टेन पर आ जाते हैं अभी ये थोड़े से सवाल आपके इस तरफ आएंगे तो थोड़ा सा देख लीजिए सारे के सारे बच्चे अरे बाप रे सवाल पे सवाल हाँ जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है जल्दी से देखते हैं न्यूक्लियर पोर एक्ट एज पैसेज फॉर प्रोटीन एंड डीएनए मॉलिक्यूल इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म एज इट इज एनसी का लाइन है ये आगे चलिए मैच्योर सीव टू एलिमेंट्स पजस हाँ बोलो बोलो आंसर बोलो आंसर बोलो आंसर बोलो इसका क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर क्या है बोलो जरा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर बोलो जल्दी से क्या करके आए बेटा हंड्रेड एंड टेन रेस्पॉन्ड फास्ट बेटा पी वन और पी टू का क्या मतलब है क्वेश्चन आपके सामने आ गए ना इन सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे उसके बाद आंसर देख लीजिएगा ठीक है चलो स्पेस फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन मेटीरियल प्रेजेंट इन साइड एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म ये तो एनसीईआरटी का लाइन है मेरे ख्याल से एज इट इज दे रखा है सेकंड शुड बी द करेक्ट आंसर एक मिनट रुकिए इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लेट मी क्रॉस चेक इट पैरी न्यूक्लियर स्पेस ये एनसीईआरटी का लाइन है इसको एज इट इज देख लिया जाए एक बार जहां तक मुझे याद आ रहा है एंड द आंसर शुड नॉट बी जस्ट अच ठीक है सेकेंड सेकेंड इज द करेक्ट आंसर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर इनकरेक्ट पूछा है ना इसमें आगे चलिए हंड्रेड एंड इलेवन हंड्रेड एंड इलेवन में आइए हंड्रेड एंड एलेवन में आइए इससे किसको मैच करेंगे इसमें केवल एक मैच कर लो सो ही हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेज ये लीजिए थर्ड इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड ट्वेल्व हाँ एन टी बेस्ड देखो मैं कई सारे सवाल तो तुमको एज इट इज बताऊंगा जो कि एज इट इज तुमसे पूछे गए हैं जो हमने क्वेश्चन हमारे क्विज में डिस्कस किए हैं पिछले दस दिनों के अंदर कई सारे सवाल तो एज इट इज आए हैं अभी आने वाले हैं वो आगे the amount of nutrients such as carbon nitrogen phosphorus and calcium present in the soil at any given point of time is known as the answer will be standing state fourth is the correct answer the term used for transfer of pollen grain from anthers of one plant to stigma of different plant which during pollination bring genetically different type of pollen grain to stigma is known as answer jaega, iska xenogamy second is the correct answer सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आगे चलिए 114 पर आइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर का डिवीजन कब होता है आपका सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है एना फेज सेकेंड में सो द करेक्ट आंसर वुड बी फोर्थ करेक्ट आंसर वुड बी फोर्थ ये सवाल हम हमारे जो सीरीज चली है उसके अंदर ये सवाल कर चुके हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन पी पीसीआर आर में करेक्ट सीक्वेंस क्या है सबसे पहले डिनेचुरेशन होगा फिर एनीलिंग या हाइब्रिडाइजेशन होगी और फिर उसके बाद में ये प्राइमर एक्सटेंशन होगा तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें बेटा 115 में करेक्ट आंसर वुड बी सेकंड ये क्वेश्चन करवाया है कि नहीं बोलो हमने कम से कम तीन या चार बार ये क्वेश्चन हमारी क्विज में किया है एज इट इज आपको ये क्वेश्चन मिल गया वेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्टेड इन एन इंडिविजुअल टिश्यू टू ट्रीट अ डिजीज कहने का मतलब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग से किसी भी डिजीज को अगर ट्रीट कर रहे हैं तो ये मैकेनिज्म क्या हो गया आपका दिस मैकेनिज्म विल बी नोन एज जीन थेरेपी थर्ड इज द करेक्ट आंसर डन बेटा ये कोड है आपका P3 थ्री दिस इज पी थ्री कोड लेकिन आप कोड पर मत उलझे रहिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं आप कोड पर मत उलझे रहिए क्योंकि कोड कोई भी हो सवाल तो यही है ना ऑप्शन ऊपर नीचे होंगे तो इतना तो थोड़ा बहुत अपना दिमाग जागृत रखो कि ऑप्शन देख करके फिर आंसर मैनेज कर सको है ना मतलब इतना आलस से ठीक नहीं है कि हमारा ही कोड होना चाहिए और हमारे कोड में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसी सीक्वेंस में सारे आंसर आने चाहिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हम यहाँ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं आप बाद में मैनेज कर लीजिएगा मैं पी भेज दूंगा हाँ जी अब चलिए क्रिस्टी इससे एक मैच करते ही आंसर आ जाएगा ये होते हैं आपके हंड्रेड में आ जाइए इन फोल्डिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया तो ए से थ्री की मैचिंग केवल एक जगह है करेक्ट आंसर आ गया आपका फोर्थ आगे चलो द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन फाउंडर इफेक्ट और बॉटल नेक इफेक्ट आपको दोनों पढ़ाए हैं फाउंडर और बॉटलनेक इफेक्ट दोनों के ही लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट के ही ये कैटेगरीज हैं तो आंसर क्या आ गया आपका फर्स्ट फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आगे चलो 119

ओके जयमा आर फाउंड इन केस ऑफ सम लिवर वर्ड्स फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल एज इट इज हमने डिस्कस किया हुआ है बेटा हमारी क्विज में चिल्ड एथेनॉल एथेनोल डालकर हम क्या करते हैं व्हाट वी डू हम आ, जो आपका जीनोम है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं इजीली तो आंसर क्या आ जाएगा इसके अंदर आपका 121 में थ्री डीएनए एक्सट्रैक्शन करते हैं आगे चलिए मैच द लिस्ट वन विद टू हाँ जी लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करते हैं चलिए कोहेशन ठीक है एडेशन सरफेस टेंशन गटेशन ठीक है तो ये आ गया सेकंड ऑप्शन आ गया इसके अंदर मैच करने की जरूरत है क्या ए कोहेशन म्यूचुअल अट्रैक्शन एडेशन ज्यादा होता है आपका पोलर सरफेस सरफेस टेंशन लिक्विड ठीक है तो आंसर सेकंड आ गया आपका 122 में आंसर आ गया सेकंड चलिए 23 थ्री द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट ड्यूरिंग परसेप्शनिंग परसेप्शन ऑफ लाइट का साइट क्या है NCRT का एज इट इज अ स्टेटमेंट है ये याद रखिए इसको आंसर क्या आ गया इसका लीफ द प्लांट हॉर्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन अ फील्ड टू फोर डी फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन चलिए साहब हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर तक हो गए मैं बता दूं ये कोड है पी थ्री बट इट मैटर डिच कोड इज दिस इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि ये कोड कौन सा है आप क्वेश्चंस देखिए और आंसर देखिए फिर अपने पेपर में मैच कर लीजिएगा और ये वाला कोड जो है इसका पीडीएफ तो मैं आप लोगों को भेज ही दूंगा अभी वेट फॉर सम टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंगलगी प्रोड्यूस कैरेगी हाँ तो आप इसमें आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन सा आंसर आ जाएगा इसके अंदर रेड एल गी फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ओके कंप्लीट द फ्लो चार्ट ये फ्लो चार्ट भी मैंने इसी तरीके से हमारी प्रीवियस क्विज जो थी उन के अंदर डिस्कस किया है सबसे पहला काम क्या हो रहा है यहां ए क्या हो रहा है ए रेप्लीकेशन हो रहा है बी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है सी ट्रांसलेशन हो रहा है और डी में आपका प्रोटीन बन गया तो आंसर क्या आ गया शन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर में फॉलोविंग प्रश्न भी सीधा उठ के आ गया पिछले 10 दिन के पेपर याद कर लो बेटा जिन बच्चों ने वो हजार क्वेश्चन कर लिए हैं मेरे साथ और प्लस पीवाई के चार सेशन मुझे तुम खुद बताओ कि कितने सारे क्वेश्चन तुमको एज इट इज मिल गए मैंने कहा था बहुत सारे क्वेश्चन सीधे मिलेंगे अब देखो ये क्वेश्चन ही ये क्वेश्चन हमने दो या तीन दिन पहले ही डिस्कस किया है सेम क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज अमाइनो एसिडेंट, ग्लूकोज थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन बोलो जल्दी से इनस्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक competition इन नेचर which mechanism ऑफ competitive, ये भी डिस्कस हुआ है क्वेश्चन हमारी क्विज में रिसोर्स पार्टीशनिंग सेकंड इज द करेक्ट आंसर पिछले दस दिन के पेपर आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर पीसीआर का एप्लीकेशन इनमें से कौन सा नहीं है पीसीआर जो है वो प्योरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन से इसका कोई लेना देना नहीं है चलिए साहब इसको मैच करते हैं लिस्ट वन और लिस्ट टू को आइए जल्दी से मैच करते हैं जल्दी से सुनो 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 बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखो अभी सारा पेपर सॉल्व करेंगे बिल्कुल चिंतित मत हो सेल विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी तो ये आपके मैरिस्टमैटिक टिश्यू में होता है बस इसको एक को मैच कर लो एक को मैच करते ही तुम्हारा हंड्रेड एंड थर्टी का आंसर आ जाएगा ये देखो ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो तो एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो आपका सेवन सेल्ड होता है और एट न्यूक्लिएटेड होता है इसमें उल्टा लिख दिया है बस और कुछ नहीं है एट न्यूक्लिएटेड एंड सेवन सेल्ड सो वन थर्टी वन द करेक्ट आंसर वुड बी

करेक्ट ऑप्शन म्यूटेशन इन प्लांट सेल कैन बी इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशन किससे इंड्यूस किया जाता है प्लांट सेल में गामा रेज इज द करेक्ट आंसर फोर्थ कैन बी रिप्रेजेंटेड ये भी सवाल आया हुआ है अमेंसलिज्म का मतलब एक को नुकसान हो रहा है दूसरे को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज सेकेंड 135 द आंसर वुड बी सेकेंड आगे चलिए आगे चलिए वॉट इज द रोल ऑफ आर एन ए पॉलीमर एज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यू कैरियोट अब यह ऐसा सेगमेंट आ गया जिसमें से आपको कितने सवाल करने थे आप छोड़ सकते थे आपके पास चॉइस था पर हम सारे के सारे सॉल्व कर लेते हैं रोल ऑफ आर एन ए पॉलीमर एज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यू कैरियोट्स तो आंसर क्या आ गया बेटा इसमें ट्रांसक्राइब टी आर एन ए फाइव एस आर एन एंड एस एन आर एन एर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट पेयर मैच कीजिए साहब हंड्रेड एंड थर्टी सेवन हंड्रेड एंड थर्टी सेवन करेक्ट पेयर मैच कीजिए हंड्रेड एंड थर्टी सेवन क्या आंसर किया है बेटा आपने थर्टी सेवन में ये तो नहीं होगा लार्ज कलरलेस एम्पली सैनल एपीडोरमिज ग्रास लीव बिल्कुल 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 स्क्रीन ब्लर हो रहा है तो थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लो बेटा रिफ्रेश कर लो सेल्स ऑफ मेड्यूलर रेज दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग हाँ बिल्कुल ठीक है ये आएगा इसके अंदर फोर्थ फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ओके प्लाजमेड पीबीआर थ्री टू टू हैज पी एस टी वन रेस्ट्रिक्शन एनजाइम साइट विदी आर दैट कन्फर्स एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस आपने एम्पीलिन रेजिस्टेंस वाले जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया और उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला जीन डाल दिया अगर आप उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला जीन डाल देंगे अगर उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला जीन डाल देंगे तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो बनेगा लेकिन एम्पिसलिन के लिए रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा तो इट विल नॉट बी एबल टू कंफर एम्पीलिन रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल सेकंड शुड बी द करेक्ट आंसर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग रिपीटेटिव डीएनए ये भी हम कर चुके हैं डिस्कस कर चुके हैं आगे चलिए इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन ये क्या है आपका ई e किसको रिप्रेजेंट करता है 140 एंड फोर्टी द बेस ऑफ द नेचुरल लोगरिथम फोर्थ फोर्थ इज द करेक्ट आंसर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आगे चलिए 141 में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट इन करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है पहला ऑप्शन है साइक्लिक साइक्लिकॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व पीएस वन एंड पी एस टू साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के अंदर केवल और केवल एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है दोनों इन्वॉल्व नहीं होते तो यही इसके अंदर आपका आंसर आ गया आगे चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है चलिए देखते हैं सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ये तो गलत हो गया फ्यूजन ऑफ टू सेल कह ये भी गलत हो गया फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गेमी इट इज नोन एज प्लाज्मो गेमी थर्ड थर्ड इज द करेक्ट आंसर थर्ड इज द एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर चलिए इसको मैच करते हैं इसमें एक मैच कर लोगे सो ही तुम्हारा काम हो जाएगा नाइट्रोकॉकस नाइट्रोकॉकस को आप मैच कर लीजिए साहब कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट बस इसी से आंसर आ गया आपका 143 में करेक्ट आंसर क्या आ गया सेकंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर 144 फोर्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोटोन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन इनकरेक्ट पूछा है इसके अंदर ठीक है ये तो सही है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज इन ईटीसी वन मॉलिक्यूल ऑफ एनएडी प्लस एच प्लस गिव्स राइज टू टू ए टीपी वन एफ एडी एंड थ्री ये गलत हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट वन फोर्टी फोर में आपका थर्ड आ गया चलिए नहीं बेटा हिंदी से नहीं आइए वन फोर्टी फाइव में आइए इन सम ऑफ़ 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 विच द फ़ॉलोइंग फ़ैमिलीज़ फैमिलीजन ग्रेन्स रिटेन देयर वायबिलिटी फॉर मंथ्स आफ्टर रिलीज तो आंसर क्या आ गया इसमें वन फोर्टी फाइव में आपका रोजेसी लेगोमिनोसी िटी फॉर मंथ आफ्टर रिलीज क्या आंसर करके आयो बेटा इसमें 145 में क्या आंसर किया है आपने हम्म बताओ जरा बताओ जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से थर्ड फर्स्ट करो इसके अंदर एक बार के लिए फर्स्ट थर्ड फर्स्ट होना चाहिए फर्स्ट 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 पे रहेंगे हम लोग फर्स्ट पे रहेंगे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स ओके करेक्ट स्टेटमेंट पर आते हैं इन कैपिंग मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफिट ठीक है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विद रो फैक्टर ये बिल्कुल ठीक है थर्ड इज द करेक्ट स्टेटमेंट थर्ड इज द करेक्ट स्टेटमेंट थर्ड इज द करेक्ट स्टेटमेंट यह आपको मैच करना है यह सवाल भी हमारी प्रीवियस क्विजे के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा इसको आप मैच कर दीजिए सीधे सीधे फेबेसी से इसको जैसे ही फेबेसी से मैच करेंगे आप सेकेंड ऑप्शन पर आ जाएंगे वन फोर्टी एट प्रोटीन में आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है साहब ए में फोर कर दीजिए अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में आपके डबल बॉन्ड्स होंगे बिल्कुल ठीक है तो 148 के अंदर आपका सेकंड आंसर आ जाएगा डन 149, 149, आइए जल्दी जल्दी आइए एस फेज हाँ चलिए मैच कीजिए इसको एस फेज को मैच कर दीजिए डीएनए एप्लीकेशन से यानी कि फोर दो जगह पे मैचिंग है बी मैच कर लीजिए अब सीधे जी टू फेज तो जी टू फेज के अंदर आपका आ जाएगा जी टू फेज में आपका आ जाएगा

फिफ्टी में हम फोर पर रहेंगे फोर्थ चलिए अब आपका जुलॉजी वाला सेगमेंट आ गया अब देखो इस बार हुआ यह है बेटा जोलॉजी में अर्थ वर्म से यूजली क्वेश्चन आता नहीं है पर पूछ लिया गया अर्थ वर्म से तो थोड़ा सा उसको देखेंगे ध्यान से इरेथ्रोपॉयटिन हार्मोन विथ स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय एरिथ्रोपॉयटन कौन बनाता है बेटा इरिथ्रोपोयटिन बनाने वाला है जेजी सेल्स फर्स्ट फॉलोइंग करेक्टिस्टिक इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू कॉक्रोच तो कॉकरोच में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गया आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गया आपका सेकेंड क्योंकि गैस्ट्रिक सी का आपके हेपैटिक सी का होते हैं बेसिकली गैस्ट्रिक सीका नहीं बोलना चाहिए ये प्रेजेंट होते हैं फोर गट और मिड गट के जंक्शन पर न कि मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर सो दैट इज द करेक्ट आंसर आगे चलिए सकस एंटेकस को क्या कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफे टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा एंड इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर 154 में आंसर क्या आ जाएगा आपका डायकाइनेसिस फोर्थ आगे आ जाओ पार्शियल प्रेशर इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एलवीओलाइट द साइट ऑफ डिफ्यूजन एलवीओलाई में पूछा है तो एलवीओलाई में पूछा है तो आंसर आ गया आपका सेकेंड पीओ तो हंड्रेड एंड फोर एंड पी सीओ टू इज फोर्टी सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ओके okay. फाइसेलिया तो फाइसेलिया तो आपका पोर्तुग मैन ऑफ वॉर हो गया इसी से आपका आंसर निकल आएगा क्या नहीं निकलेगा अभी एक और मैच करना पड़ेगा लेम्यूलस को कर लीजिए लिविंग फॉसिल से थर्ड से तो आंसर आ गया आपका 156 में बेटा फोर्थ फोर्थ इज द करेक्ट आंसर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर वन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्पलीफिकेशन यूजिंग पीसीआर इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन इन द बिगनिंग स्टेप ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ पीसीआर विल बी अफेक्टेड फर्स्ट वन फिफ्टी सेवन हा तो सबसे पहले तो डीनेचुरेशन ही प्रभावित होगा क्योंकि डीनेचुरेशन करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी अगर आपके पास हाई टेम्परेचर नहीं है तो डीनेचुरेशन ही नहीं होगा किस्सा खत्म हुआ लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना है साहब हंड्रेड एंड फिफ्टी एट आइए जल्दी से एक मैच करते आंसर आ जाएगा एस्पर जेलस इसको किससे करेंगे आप एस्पर जेलस को किससे मैच करेंगे भाई साइट्रिक एसिड से और इसी में आपका आंसर आ गया सेकंड ये लीजिए सेकंड इज द करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ स्मूथ मसल स्मूथ मसल के नेचर को रॉन्गली कौन रिप्रेजेंट करता है दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट दीज मसल्स हैव नो बिल्कुल ठीक है दे आर इनवॉल्ट्री बिल्कुल ठीक है कम्युनिकेशन अमंग द सेल इज परफॉर्म्ड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क ये गलत हो गया क्योंकि इंटरकैलेटेड डिस्क आपके किस में होते हैं कार्डियक कार्डियक मसल में होते हैं क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग अच्छा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आ गया इसका मतलब ग्रेविस फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए हैं वी हैव डन ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन पर्सन विद एबी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपियंट दिस इज ड्यू टू यूनिवर्सल रेसिपियंट क्यों है क्योंकि उनकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी ही नहीं होते

रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग आर फाउंड ऑन जोना पेल्यूसिडा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली मस्का डोमेस्टिका मस्का डोमेस्टिका कौन है भैया इसमें हंड्रेड एंड सिक्स मस्का डोमेस्टिका कौन है हाउस फ्लाई आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर इनकरेक्ट पेयर में यही आ जाएगा आपका ये आपका टॉक्सिन में आता है एब्रिन और राइसिन ठीक है ियल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू यूजिंग स्टेल बिल्कुल नहीं स्प्रेड होगा ट्रांसफ्यूजन ऑफ ये हो सकता है इनफेक्टेड मदर टू फीटर्स हो सकता है किसिंग से नहीं होगा इनहेरिटेंस से नहीं होगा करेक्ट ऑप्शन द ऑर्गेलीज दर इंक्लूडेड इन द एंडोमेंब्रेन सिस्टम आर एंडोमैम्ब्रेन सिस्टम में आपके एंडोप्लाजमिकेटिकुल्प्लेक्स आ गया लाइसोसोम आ गए एज वेल एज वैक्यूल्स आ गए थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मेलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक इज वेरी यूज फॉर अर्ली डिटेक्शन अर्ली डिटेक्शन के लिए एलाइजा काम में लिया जाता है वी विल स्टिक विथ द फोर्थ ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन आगे चलिए विथ रिगार्ड टू द इंसुलिन चूज करेक्ट ऑप्शन इंसुलिन के लिए करेक्ट ऑप्शन सी पैप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर ठीक है द इंसुल प्रोड्यूस आरडीएन ए टेक्नोलॉजी है प्रो इंसुल हैज सी पैप्टाइड ठीक है ठीक है ठीक है ए पैप्टाइड एंड बी आर डाइसल्फाइड तो ए सी और डी ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो गए करेक्ट आंसर इज फोर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आगे चलो ए स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाइड बाय एंडो न्यूक्लियस टू तो मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन ये तो हमने बहुत बार किया है पेलिड्रोमिक सीक्वेंसेस होती है फाइव टू थ्री थ्री टू फाइव मतलब रीड करने के लिए फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन विच इज द ओनली एंजाइम दैट हैज कैपेबिलिटी टू कैटालाइज इनिशिएशन इलांगेशन एंड टर्मिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोट में पूछा है तो में पॉलीमरेज होगा है ना डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज थर्ड विल बी करेक्ट आंसर विच वन ऑफ द एंड न्यूमेटिक बोन होलो और न्यूमेटिक बोन होता है आपका बर्ड्स में तो ये कौन आ गया इसके अंदर न्यूफ्रोन सेकेंड तो डकबिल प्लेटिप होता है मैमल है Wall है, आपका कैंगरू आपका है तो बात खत्म हो गई रीड द फॉलोइंग स्टेटर्वज होता है राउंड वर्मस एव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेइजेशन बिल्कुल ठीक है कॉम प्लेट्स आर प्रेजेंट इन टीनोफोल हेल्प इन डाइजेशन गलत हो गया लोकोमोशन में हेल्प करते हैं वॉटर वेस्कुलर सिस्टम इज करेक्टिस्टिक है सो बी C एंड E तो फर्स्ट आंसर इसके अंदर आपका करेक्ट हो गया डन 174 सेवेंटी फोर वॉल्ट आई यू डी आसान है एक मैच करते ही काम हो जाएगा आपका चलिए साहब वैसेक्टॉमी पहले वैसेक टॉमी कर लो वॉल्ट और वॉल्ट तो आप जानते ही हैं सर्वाइकल कैप और ये आपके सर्विक्स पर अटैच किए जाते हैं तो आंसर आ गया इसमें वॉल्ट ठीक है आई आपके पेगोसाइटोसिस इसमें सर्जिकल रिमूवल नहीं कहेंगे लाइगेशन एंड कटिंग ऑफ वॉस डिफरेंशिया सो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 174 थर्ड शुड बी द द्रोप्रिएट आंसर डन हा बेटा सुन रहा हूं सुन रहा हूं बोलो क्या समस्या है बोलो बोलो बोलो, बोलो जल्दी से बताओ ट एट जंक्शन ऑफ जेजूनम जंक्शन ऑफ हिपेटोपेटिक डॉडिनम सो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर एडीनिन में थर्टी परसेंट ऑफ डीएन थार्टी परसेंट हो जाएगा ठीक है और फिर गुएनिन और साइटोसिन आपके ट्वेंटी ट्वेंटी हो जाएंगे बात खत्म हुई चलिए आंसर क्या आ गया इसके अंदर फोर्थ डन आगे चलो मैच द लिस्ट वन विद टू मेटामेरिज्म मेटामेरिज्म किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा एन का थर्ड से मैच कर दीजिए थर्ड फिर कैनाल सिस्टम किस में मिलता है Purifiera में तो फोर्थ से मैच कर दीजिए कॉम्ब प्लेट आपके टीनो फोर्स में मिलते हैं टू से मैच कर दीजिए निडोब्लास्ट आपके इसमें मिलते हैं वन से थ्री फोर टू वन थ्री फोर टू वन फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन आगे चलिए सेवेंटी एट ज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनिव्रोजन को फाइब्रेन में लास्ट स्टेप होता है ब्लड क्लॉटिंग का पहले प्रोथ्रॉम थ्रॉम्बिन में बदलता है सॉरी फिब्रिन ओजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है तो सेकंड वुड बी द करेक्ट ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन इन क्रॉप क्रॉप में बायोफोर्टिफिकेशन का कौन सा ऑब्जेक्टिव इनमें से नहीं है इंप्रूव माइक्रो न्यूट्रिय एंड मिनरल कंटेंट इंप्रूव प्रोटीन कॉन्टेंट इंप्रूव वाइटमिन कंटेंट इंप्रूव ये थर्ड आ गया इसके अंदर चलिए ओके डॉपसन यूनिट यूज इन द दर ठीक है एटी के अंदर क्या आ गया आपका फोर्थ फोर्थ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन रिलीजिंग न जाने कितनी बार पूछा गया दो हैं आपके एल एनजी ट्वेंटी एंड प्रोजेस्टा सर्ट तो ये लीजिए एल एन ट्वेंटी थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन सेंट्रीओल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कब होता है आपका एस फेज में होता है विच ऑफ दर एन एज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इनमें से कौन सा आर एन ए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड नहीं है तो answer क्या आंसर क्या आ जाएगा भैया इसमें आंसर क्या आ जाएगा इसमें ऐसा ही आर एन ए ये लीजिए फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आगे चलिए इन अ क्रॉस बिटवीन मेल एंड फीमेल बोथ हिटरोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल है रिसेसिव है कर लेंगे दोनों हिटरोजाइगस हैं दोनों हिटरोजाइगस है तो आंसर क्या आ जाएगा ट्वेंटी फाइव परसेंट ये लीजिए फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आप इसको यूं कर लीजिए ज्यादा डिटेल में मत जाइए हेट्रोजाइगस कर लीजिए ये लीजिए ये लीजिए ए ए, ए ए आप इसको कुछ भी नाम लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता ये लीजिए अब डिजीज केवल इसमें होगी ना और किसी में नहीं होगी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होगी सो दैट ऑफ़ फर्क नहीं पड़ रहा ऑटोसोम रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन एट एलवीओ ठीक है फेवरेबल की बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है एलवीओलाई में पीओ टू हाई होना चाहिए पीसीओ टू कम होना चाहिए हाइड्रोजन आपका लेस होना चाहिए टेम्परेचर आपका कम होना चाहिए अगर हाइड्रोजन ज्यादा होगा तब तो डिसोसिएशन ज्यादा होगा हाइड्रोजन ज्यादा कहां होता है ये बोर इफेक्ट का उल्टा है आप तो ये मान लो बोर इफेक्ट में क्या क्या होता है सी टू ज्यादा होता है हाइड्रोजन ज्यादा होता है टेम्परेचर ज्यादा होता है एसिडिटी ज्यादा होती है पीएच कम होता है ये सब बोर इफेक्ट है टिश्यू इसका उल्टा कर दो ले जाकर के लंग्स में तो अब आपको आंसर मिल जाएगा हाई पी टू लो पी टू फोर्थ सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन जस्ट अपोजिट कर दो इसका चलिए मैच द लिस्ट वन विद टू एलेंस रूल पोलर सील ये लीजिए फोर्थ से मैच कर दीजिए फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन कंगारू रेट में होता है इससे मैच कर दीजिए मेरे ख्याल से इसी से आंसर आ जाना चाहिए अच्छा नहीं आएगा बिहेवियरल डेजर्ट लिजार्ट में कर दीजिए अब तो आ ही जाएगा फोर वन टू फोर वन टू तो एटी सिक्स में आपका क्या आ जाएगा एक मिनट रुकिए एलेंस रूल फोर फिजियोलॉजिकल एडेप्टन वन बिहेवियरल डेजर्ट एंड बायोकेमिकल मेरीन फिश तो आंसर क्या आना चाहिए इसके अंदर एक मिनट रुकी जरा फोर्थ ही तो दिया है ना बच्चों फोर्थ फोर्थ इज द करेक्ट आंसर चलिए आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए एडेप्टिव रेडिएशन आपका डार्विन स्विंचेस फोर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आपका विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड माने की थ्री डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोन्स ऑफ फोरलिम एंड व्हेल यानी कि सेकेंड सेकेंड आ गया ना इसके अंदर बस इसी से निकल आएगा आंसर हंड्रेड एंड एटी सेवन के अंदर आंसर क्या आ जाएगा आपका हंड्रेड एंड एटी सेवन में आपका आंसर क्या आ जाएगा सेकेंड ये लीजिए आगे चलिए आगे चलिए विच ऑफ दीज इज नॉट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्च्य में रिलीज ऑफ प्रोलेक्टिन का कोई लेना देना नहीं है प्रोलेक्टिन तो मिल्क सिंथेसिस का काम है इनिशिएशन ऑफ में प्रोलेक्टिन का कोई रोल कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग हिस्टोन के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है पॉजिटिव चार्ज एट यूनिट एसिडिक नहीं होता हिस्टोन आपका कैसा प्रोटीन है बेटा बेसिक प्रोटीन है एक मिनट रुकिए एक मिनट रुकिए जस्ट अ मिनट जस्ट अट जस्ट मिनट हम्म अभी आगे आइए अभी आगे आइए अभी आगे आइए ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर हाँ जी यहां आइए अब देखो इस सवाल में एक बड़ी मजेदार बात है इस सवाल को ध्यान से देखोगे ना बेटा तो इसके अंदर अगर आप एक चीज को पिक कर लोगे तो आंसर दे दोगे वो चीज क्या है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कभी भी ए बैंड वाइड नहीं होता ये तो आप जानते हो ए बैंड का लेंथ सेम रहता है क्योंकि ए बैंड बेसिकली क्या है व्हाट इज ए बैंड ए बैंड इज नथिंग बट मायोसिन तो अब बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता अब आप देखो जरा इसमें भी आपका बी दे रखा है इसमें भी बी दे, इस दे, इस दे रखा है इसमें भी बी दे रखा है सो आंसर वुड बी सेकंड कई बार आंसर ऐसे भी निकल आते हैं दिस इज अनदर मेथड ऑफ रीचिंग टू द कंक्लूजन ठीक है तो यह भी एक तरीका है बेटा हिंदी वाला पेपर अभी आया नहीं है इंग्लिश का है तो एक बार इंग्लिश में देख लो आंसर तो पता चली जाएंगे ना समझ में तो आ ही जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है चलिए स्केपुला आपका ट्राइंगुलर फ्लैट बोन है तो फोर लिख दीजिए यहां क्रेनियम आपका फाइब्रस ज्वाइंट थ्री से मैच कर दीजिए ये लीजिए स्टर्नम आपका फ्लैट बोन है टू से मैच कर दीजिए वर्टिपल कॉलम में आपके कार्टिलेजिनस कार्टिलोज होते हैं वन से मैच कर दीजिए कुल मिलाकर के आंसर क्या आ गया साहब इसमें आपका फर्स्ट फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर अजहर महमूद बिल्कुल अभी बात करते हैं बेटा ए पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंस एल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम्स लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पालपिटेशन ड्यू टू लो एटमोस्फिर प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशियंट ऑक्सीजन इन द लाइट ऑफ अबव ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन भी है तो सेकंड सेकंड विल विल बी बी द द द करेक्ट करेक्ट आंसर आंसर एडिनोसिन इम्यून सिस्टम लिम्फोसाइट नहीं बनेंगे आपके प्रॉपरली विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन एमओईटी ये सवाल हमने डिस्कस किया है बेटा हमारे जो क्विज अभी हमने पिछले दस क्विज किए थे उनमें तो काउ इज एडमिनिस्टर्ड ये एल एच नहीं आएगा इट शुड बी एफ एस एच तो इसमें आपको नॉट ए स्टेप पूछा है तो सेकेंड ही आ जाएगा इसमें वन नाइनटी फोर में आपका सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन फाइलेरियसिस आपका वोचुरेरिया बेनक्राफ्ट से होता है थर्ड अमीबीएसिस आपका एंटोमीबा हेस्टोलिटिका से होता है माने कि फोर्थ सो थर्ड फोर्थ ये लीजिए इसी को मैच करने से आंसर निकल आएगा आपका 195 में आंसर आ गया आपका थ्री डन आगे चलिए वन नाइनटी सिक्स लिपिड्स के लिए कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं लिपिड्स आर हैविंग सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड एज हैचुरटेड गलत इनको तो सैचुरेटेड फैटी एसिड बोला जाता है लेसिथेना फॉस्फोलिपिड बिल्कुल ठीक है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज अ ग्लिसरॉल बिल्कुल ठीक है पामिटिक एसिड में 20 नहीं होते 16 होते हैं 16 एरेकिडोनिक में 16 नहीं होते 20 होते हैं सो so, B and C are the correct options. Fourth, fourth will be the correct answer. चलिए 197. Following are फॉलोइंग आर द prostomium अबाउट प्रोस्टोमियम ऑफ अब earthworm के सवाल आते नहीं है लेकिन आ गया इस बार ठीक है तो एक सवाल आ गया आप देख लेते हैं चलिए प्रोस्टोमियम किसको कहते हैं प्रोस्टोमियम जो एक फ्लैशी लोब के जैसा स्ट्रक्चर लगा होता है ना पहले सेगमेंट में उसको बोलते हैं इट सर्व एज अ कवरिंग फॉर माउथ बिल्कुल ठीक है इट हेल्स टू ओपन क्रैक इन सोल बिल्कुल ठीक है इट इज वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है इट इज द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट बिल्कुल गलत है तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर फर्स्ट सेकेंड एज वेल एज थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर और लेट मी गो थ्रू वंस थ्रू द एम की कोई और स्पेसिफिक स्टेटमेंट तो इसमें नहीं दिया हुआ है एक बार के लिए मैं आपको देख के बता देता हूं ठीक है यही है चलिए ए बी एंड सी आर करेक्ट सेकेंड सेकंड करेक्ट ऑप्शन आगे चलिए अभी देख रहे हैं बेटा देख रहे हैं 198 नाइनटी एट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट द हॉर्मोन रिलैक्सिंग ड्यूरिंग द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है ओवेरी सीक्रेट करता है बेसिकली ओवेरी में आपका कॉर्पस ल्यूटियम है सो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओके द कोडोन एयूजी कोड फॉर मिथियोनिन एंड फिनाइल एलेनिन बिल्कुल ठीक है एयू जी कोड फॉर मिथियोनिन एंड फिनाइल एलेनिन तो यह फिनाइल एलेनिन नहीं है केवल मिथियोनिन है भैया ए ए जी एंड बोथ कोड फॉर लाइसिन यह बिल्कुल ठीक है सो दिस इज करेक्ट दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट सेकेंड इज ट्रू सो फर्स्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प टू स्टॉप लीकेज ऑफ दबस्टेंक्रॉस्यू एंड एक तो टाइट जंक्शन हो जाएगा और एक आपका गैप जंक्शन हो जाएगा थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर अभी ये आपका बायोलॉजी का पेपर मैंने पूरा का पूरा सोल्व करवा दिया है बेटा वी हैव सोल्व एंटायर पेपर ऑफ बायोलॉजी मेरा ऐसा मानना है सुनिए मेरी बात आप सब लोग मैं इस पेपर को अभी कुछ ही देर में कुछ ही देर में इस पेपर को आपके आ, इस पर टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा तो आप सारे के सारे बच्चे इसको देख पाएंगे इस पेपर को है ना और जब आप सारे के सारे बच्चे इस पेपर को देख लेंगे तो इसका फीडबैक भी मुझे दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि एग्जैक्टली आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं द पेपर वॉज क्वाइट इजी एक्सेप्ट अ फ्यू क्वेश्चन यानी कि जो फिफ्टीन में से टेन क्वेश्चन वाला सेगमेंट था उनमें से आप कुछ क्वेश्चंस छोड़ भी सकते थे बाकी पेपर ऐसा था मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि जिस बच्चे ने भी ये पिछले दस दिन के वन थाउजेंड एमसी क्यू वाला सीरीज किया था और पी वाई क्यू वाला सीरीज किया था सिक्सटी सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन से आ गए है ना तो विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक आपके रिजल्ट के लिए अपने मार्क्स मुझे जरूर भेजिएगा और जाइए कहीं मत क्योंकि अभी यहां पर केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी डिस्कशन होने वाला है आ, मैं एक बार के लिए इसको आ, 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 आपके स्ट्रीम को क्लोज करूंगा कुछ देर के लिए बफरिंग होगी नॉट मोर देन थर्टी सेकंड और ट्वेंटी सेकंड दस बीस सेकंड के लिए बफरिंग होगी और दस बीस सेकंड के लिए बफर होने के बाद में, chemistry वाले सर और physics वाले सर आ जाएंगे सीक्वेंशली एंड देसिंग दिन पेपर तो कहीं मत जाइए बायोलॉजी का पेपर तो फिर भी आपके लिए थोड़ा सा ऐसा था लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर आप जरूर 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 आप वेट कीजिए सारे के सारे बच्चे और बिल्कुल 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 तो मैं अब एक बार रुकिए मैं जरा बोल दूं मैं इंटीमेट कर दूं कि मैं क्लोज कर रहा हूं और केमिस्ट्री वाले सर आ जाएं जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट गिव मी गिव मी सेकंड गिव मी अ सेकंड एंड देन केमिस्ट्री सर विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू कुल मिला के बात यह है बेटा सुनो मेरी बात बात यह है कुल मिलाकर के, के पेपर सारा वैसा ही था जो हम पिछले चालीस पचास दिनों से जो वर्कआउट करने में लगे हुए थे चलो ठीक है अभी मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं फिजिक्स वाले सर आ रहे हैं वो फिजिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे देन केमिस्ट्री तो जाइए कहीं मत बस दस सेकंड के लिए ये बफर करेगा है ना पेपर वाज क्वाइट इजी जितना हमने पढ़ा था सारी चीजें उन्हीं में से आई हैं एक्सेप्ट वन क्वेश्चन ऑफ अर्थवर्म जो हमने डिस्कस नहीं किया था बाकी सब हमारे पढ़े हुए में से आया और बहुत सारे सवाल तो एज इट इज आ गए आई विल बी पॉइंटिंग आउट कि कितने सवाल एज इट इज हमारे क्विज में से पूछे गए चलिए दस सेकंड का दस सेकंड पंद्रह सेकंड बस बफर होगा अंकित सर आ रहे हैं। तो हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल लेट्स क्रैक आप सारे के सारे लोग so, तो देखो यार जैसा मैंने तुम लोगों को ये चीज बोला था पहले ही मैंने आप लोगों को ये चीज बता दिया था कि देखो कोई बहुत टफ पेपर नहीं आने वाला है इस साल एक बार कंफर्म करेंगे सारे लोग चार्ट बॉक्स में क्या मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर हो रही है क्या आवाज बेटा आप लोगों को मेरी सुनाई दे रही है क्या एक बार सारे के सारे लोग जल्दी से कंफर्म कर दो जल्दी से जल्दी बेटा एक बार सारे के सारे लोग कंफर्म कर दो क्या आप लोगों को आवाज मेरी सुनाई दे रही है यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर ओके ग्रेट 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 अमेजिंग अमेजिंग तो यार मतलब मैं ये चीज़ पहले ही बता चुका हूं तुम को ठीक है एग्जाम होने के पहले ही बोला था कि जो भी आप लोगों का नीट का पेपर ओवरऑल कोई टफ नहीं आने वाला है। भी मैंने पूरा को पूरा देख लिया ऑलमोस्ट बेटा मैंने एक चीज बोली थी नीट दो और नीट दो ऑलमोस्ट बेटा वैसा ही पेपर आएगा ठीक है तो हुआ भी यही है अब यहां पर ये हो गया कि जो मैं एनालिसिस किया हूं बेटा जो भी नीट 2021 पेपर उसमें मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये चीज मैंने देखा है कि यहां पर दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े डिफिकल्ट दे दिए गए जो कि बीस में नहीं थे बेसिकली राइट right? तो वो थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे जैसे कि लास्ट ईयर अगर आप लाइक बहुत सारे लोग 180 आउट ऑफ निकाले थे तो यहां पर थोड़ा सा वो नंबर डेफिनेटली कम हो जाएगा लेकिन बेटा अगेन एक या दो दो क्वेश्चन ही बस ऐसे थे बाकी सारे के सारे बेटा क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते थे बेटा ठीक है तो ये चीज़ बेटा आप लोगों को मैं क्लियर करना चाहता हूं चलो, स्टार्ट करते हैं ठीक है? मिनट, मिनट है कि मैं पूरा डिटेल में डिस्कशन करूं जो क्वेश्चन मेरे को लगेगा उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लूंगा बेटा ठीक है ये चीज क्लियर है आप सारे के सारे लोगों को चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग अब स्टार्ट कर लेते हैं जस्ट वेट अ सेकंड मेरे को सेटअप उतना कर यस थोड़ा एक तो तुम लोगों का पेपर भी सही सा नहीं मिल पाया मेरे को ठीक है जो मिला है उसी पर मैंने देख लिया एक बच्चे ने शेयर किया था तो उसी पेपर पर मैं स्टार्ट करता हूँ तो स्टार्ट कर दू बेटा तो हमेशा की तरह वी आर रेडी लिख दो एक बार तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से हमेशा की तरह वी आर रेडी लिख दो बेटा तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जैसा अपन क्लास में जो जोश रहता है बेटा वही जोश यहाँ भी रहना चाहिए वी आर रेडी लिख दो तो स्टार्ट करते हैं बेटा तो पहले क्वेश्चन में बेसिकली ई और जी रिस्पेक्टिवली आप लोगों को दे रखा था एनर्जी दे रखा था और जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दे रखा था ई अपॉन जी का डायमेंशन पूछा था बेटा तुम लोगों से मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और जी का डायमेंशन कई बार क्लास में तुम लोगों से करवाया हुआ है बेटा तो डिटो सेम उसी बेसिस पर कॉन्सेप्ट था बेटा ये एम एल माइनस वन टीपे पावर जीरो आप लोगों का निकल के आ जाएगा पहले का आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा ठीक है फिर तुम लोगों का एसी सर्किट में मैंने आई एल और सी तीनों थे मतलब प्रॉपर बेटा ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करवा रखा है अच्छे तरीके से तो यहां से आप लोगों का आंसर इसमें पांच ओम आया हुआ था फिर बोला था बेटा थर्ड वाले क्वेश्चन में बोला हुआ। मैं एक एक क्वेश्चन से मैनेज ठीक है? ये चीज़ बेटा, कि आपका हो सकता है कुछ और ठीक है? तो आप को थोड़ा से यहां से मैनेज करना पड़ेगा ठीक है आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लेना राइट right? चलो यहां पर लास्ट तीसरा वाला जो क्वेश्चन है बेटा बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल विद फ्रीक्वेंसी तो यहां पर बेटा जो आप लोगों का आंसर हो जाएगा दैट विल बी थर्ड का आप लोगों का सी निकल के आ जाएगा सॉरी एक मिनट थर्ड का बेटा आप लोगों का क्या निकल के आ जाएगा सी निकल के आ जाएगा ठीक है चलो, बेटा मैंने आप लोगों करवाया था. बेटा और ये बेटा सिलेंडर के लिए है तो सेम टू सेम बेटा वही वाला पैटर्न फॉलो होता है यहां पर आप लोगों का आंसर क्या जाएगा फोर्थ आंसर आ जाएगा ठीक है फिफ्थ में बेटा बेसिकली अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियस विथ मास नंबर क्या है यहां पर

क्लास के नोट्स में आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया था एनर्जी डेंसिटी पढ़ाई थी मैंने तो अगर आप लोगों को एनर्जी निकालने को बोला है तो आप क्या करोगे एनर्जी डेंसिटी क्या पढ़ाई थी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो आप वॉल्यूम से जाके मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए और डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा नॉट स्क्वायर एडी के बराबर निकल के आ जाएगा ठीक है बेटा चलो अगले बात पर आते हैं बेटा सेवेंथ की बात करते हैं बेटा तो सेवन का सिंपल एकदम बेसिक कैलकुलेशन करना था आंसर आप लोगों का टेन सिक्सटीन डी आंसर आप लोगों का यहां से निकल के आ जाएगा बेटा ए कल क्वेश्चन था सीधे एनसीईआरटी से पोलर मॉलिक्यूल्स और द मॉलिक्यूल्स हैविंग अ पैर परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो पोलर अपोलर पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होता है बेटा परमानेंट डाइपोल मोमेंट आप लोगों का होता है ये हो गया बेटा नाइन्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं बेटा तो सीधे बेटा ये फार्मूला यार देखो मतलब तुम लोगों को मैंने ये सारी चीजें ना बड़े अच्छे तरीके से करवा रखी हैं n अपॉन n नॉट क्या पढ़ाया था बेटा तुम लोगों को एंटी अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू पे पावर एन हो गया अब एन के जगह पर तुम यहां पर क्या पुट कर दोगे थ्री बाई टू पुट कर दोगे सोल्व करोगे वन अपॉइंट टू रूट टू बेटा निकल के आ गया बेटा ठीक है upon 2 root 2 आप लोगों का यहां से निकल के आ गया ठीक है फिर इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं उसी तरह से ठीक है तो इसके बाद कहा गया हाँ ठीक है फिर यहां पर आगे हम लोग इलेवंथ क्वेश्चन पर बेटा आ गया बेसिकली तो इलेवेंथ क्वेश्चन का आप लोग का आंसर सॉल्व करने पर जीरो पॉइंट जीरो फाइव टू आता है स्क्रू बॉस का क्वेश्चन बेटा सेम सेम क्वेश्चन इसी तरह का नीट दो या बीस में से किसी एक ईयर में आया हुआ था मेरे को एक्जैक्टली exactly याद नहीं आ रहा है

यहां पर 60 डिग्री दे रखा है यहां पे 90 डिग्री तो ये वाला एंगल बेटा तुमको मिल जाता 30 डिग्री ये नब्बे डिग्री तो ये वाला जो एंगल हो गया बेसिकली वो कितना हो जाता सिक्सटी डिग्री आप लोगों का निकल के आ जाता तो आप सिंपली क्या लिखते बेटा ध्यान से देखो तो अगर ये एंगल सिक्सटी डिग्री हो गया तो आर की वैल्यू तीस डिग्री हो गई तो आप रूट थ्री इन साइन थर्टी डिग्री मतलब ई e कर देते तो यहां से साइन ई e की वैल्यू बेटा रूट थ्री बाई टू मतलब ई e की वैल्यू बेटा 60 डिग्री आ जाती ये कितने लोगों का सही हुआ ईमानदारी से बताओ पहले मेरे को ये क्वेश्चन कितने लोगों का सही हुआ क्योंकि ये एक इजी क्वेश्चन था ये एक प्रिज्म का इजी क्वेश्चन था और तुम लोगों ने लापरवाही में गड़बड़ की है तुम लोगों ने लापरवाही में गड़बड़ किया है तो ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों का सही होना चाहिए था आई डोंट नो क्यों गलत हुआ है बहुत लोगों का गलत हुआ आई नो दैट दिस थिंग ठीक है चलो इसके बाद बेटा तेरा, बताओ पोटेंशियोमीटर पे कितने क्वेश्चन करवाए हैं मैंने तुम लोगों को दो दिन पहले नीट के दो दिन पहले मैंने पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज का क्वेश्चन करवाया है। तुम लोगों को मैं लाइव आके प्रॉपर इसको बेटा सॉल्व कराया मैंने ठीक है तो ये चीज आप लोगों को मैंने यहां पर सॉल्व कराई थी इसका आंसर सिक्सटी सेंटीमीटर आएगा केवल बेटा सिंपल सी बात है आर अपॉन दैट पर्टिकुलर लेंथ जिस पर आप लोगों का क्या होता है जिस पर तुम्हारा पहला ही मिल रहा है और दूसरा दूसरा ई जो मिल रहा है उसके करस्पॉन्डिंग अपॉन अपॉन दिस इनिशियल वाला लेंथ इज टू अपॉन दूसरा वाला लेंथ बेटा तो यहां से इक्वेट कर दोगे आपको एल टू की वैल्यू निकल के आ जाएगी बेटा यहां तक क्लियर है सब लोगों को चलो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा ये देखो सिंपल सा अब एस हाइट से आप इसको गिरा रहे हो बोला कि कुछ हाइट नीचे आने के बाद उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी अब यहां पर भी बहुत सारे लोगों ने गलती किया होगा मेरे को पता है तो बेटा आपका हाफ एम बी होगा वो थ्री टाइम ऑफ एम जी एच होगा लेकिन बेटा अब ध्यान से देखना अगर तुम एस यहां से गिरा रहे हो बेटा अगर तुम यहां से गिरा रहे हो और एच हाइट की बात कर रहे हो तो ये पूरा का पूरा हाइट एस है तो ये वाली जो पार्ट है बेटा वो एस माइनस एच के बराबर है तो जब वेलोसिटी पुट करोगे तुम लोग तो रूट टू जी एच रूट टू जी और डिस्टेंस लिखोगे और वो डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी एस माइनस एच के बराबर होगी ना कि एच के बराबर मेरे को पता है तुम में से बहुत सारे लोग गड़बड़ यहां पर किए हुए हो ठीक है तो यहां से जब आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे तो का आंसर क्या निकल के आ जाएगा वन निकल के आ जाएगा बेटा ठीक है चलो यहां तक अच्छा पहले तो एक बार मेरे को बताओ यहां तक कितने लोगों का कितना सही हो गया चौदह क्वेश्चन मैंने बता दिए चौदह में किसके कितने कितने सही हो गए एक बार मेरे को बता दो जल्दी से सारे के सारे लोग जल्दी से बेटा एक बार मेरे को बता दो सारे के सारे लोग चौदह में अभी तक कितने सही हो गए आप लोगों के चौदह क्वेश्चन में से अभी तक कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो गए चलो तो जल्दी रिप्लाई करो सारे के सारे लोग यस ग्रेट जल्दी बताओ जल्दी बताओ शर्मा शर्मा चौदह में कितने क्वेश्चन सही हो गए सारे सही हो गए अरे अमेजिंग अमेजिंग यार सारे सही हो रहे हैं अरे भाई साहब ग्रेट ग्रेट यार बहुत सही बहुत अमेजिंग बेटा बहुत अमेजिंग बेटा चौदह के चौदह सही हो गए भाई फोड़ू लोग हो यार तुम लोग तो बहुत अच्छी बात है चलो यहां बेटा अगर मैं पैरल में रेसिस्टेंस जोड़ता हूं तो जीरो चार जोड़े हैं, जीरो पॉइंट टू फाइव अगर सीरीज में कर दूंगा तो कितना आएगा बेटा याद करो मैंने तुमको पढ़ाया था अगर मैं सीरीज में निकाल रहा हूं तो दिस विल बी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर इन पैरल बेसिकली तो एन स्क्वायर मतलब चार है चार का स्क्वायर मतलब सोलह सोलह गुणी आंसर कितना गया चारों सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था बेटा और ये जो फॉर्मूला था ये मैंने डिराइव करवाया था तुम लोगों को

फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन गलत स्टेटमेंट है मैंने पचास बार बताया था बोलो बोला था कि नहीं बोला था मैंने बोला था हमेशा याद रखो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है चेंज इन मोमेंटम में अगर आप लोगों का वेलोसिटी

चलिए अब इसके बाद आते हैं नाइनटीन की बात करते हैं नाइनटीन में बेटा क्या आएगा आ, स्प्रिंग सेंटीमीटर न्यूट अरे यार देखो फोर्स क्या दे रखा है फोर्स दे रखा है तो से एक्स की वैल्यू दे रखी है फोर्स की वैल्यू दे रखी है क्या के की वैल्यू निकल जाएगी क्या की वैल्यू निकल जाएगी और उसके बाद बेटा आपका टाइम पीरियड क्या हो गया टू पाई रूट अपॉन तो यहां से बेटा इस के वैल्यू को ले आके यहां पर डाल दो मास दे रखा है टू पाई आप लोगों को पता है सॉल्व करोगे आंसर निकल के आ जाएगा यहां पर मैं तुम लोगों से एक चीज बताने जा रहा हूं मैं जब अभी इसको सोल्व कर रहा था तुम लोगों के लिए लाइव आने से पहले तो मेरे से एक गलती होते होते बचा है और जिसका मेरे को उम्मीद है तुम में से बहुत सारे लोगों ने गलती की होगी यहां पर आता है बेटा बेटा पाई और अंदर ब्रैकेट में में आता है बेटा, टेन पे पावर टू। तो तुम में से बहुत सारे लोग डायरेक्ट इसको सिक्स पॉइंट टू एट लिख दिए हो टेन पे पावर माइनस वन से मल्टीप्लाई करना भूल गए हो तो यहां से जब मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो पॉइंट टू सिक्स टू एट आएगा कितने लोगों से यह गलती हुई है? एक बार मेरे को रिप्लाई करो कितने लोगों से यह गलती हुई है आप में से बहुत सारे लोग इस वाले पार्ट को कंसीडर करना भूल गए हैं और इस वाले पार्ट को कंसीडर कर नहीं कंसीडर करने के वजह से आप लोगों से बहुत बड़ी गलती इसमें हो गई है बेटा ठीक है यस आई नो दैट कि बहुत सारे लोगों से यह गलती हुई होगी चलो 20th question पर आते हैं बेटा 20th question पर मैं आता बेसिकली तो यहां पर बेटा बेटा क्या दे रखा है है ये N -type the whole concentration. Electric field अप्लाई करोगे तो बेटा, simple सी बात ना करंट इन एन टाइप क्या होगा आपका पी टाइप से ज्यादा हो जाएगा अच्छा ट्वेंटी की बात करें अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है मेरे पास बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है तो अब देखो बेटा प्लस पहले है माइनस बाद में है बेटा प्लस पहले है माइनस बाद में है। अब बेटा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, करती है। तो, उस तो आपके क्या होता है तो यहां से बेसिकली आप लोग क्या कहोगे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा में। इस पर बेटा, कम फोर्स लग रहा होगा लेफ्ट डायरेक्शन में तो ओवरऑल जो फोर्स होगा बेटा वो दाहिने डायरेक्शन में होगा तो टूवर्ड्स पोटेंशियल एनर्जी विल का बेटा, सिंपल सा गलत हुआ है और लोग पचा नहीं पा रहे हैं कि क्यों गलत हुआ है 23 बेटा बहुत सारे लोगों का गलत हुआ है और बहुत सारे लोग पचा नहीं पा रहे हैं कि क्यों गलत हुआ है मैं बताता हूं बेटा क्यों गलत हुआ है तुम लोग का वी जो होता है ना बेटा वी जो होता है तुम लोग का रुक जाओ मेरे को इसका थिकनेस कम करने दो ठीक है मेरे को बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि ये वाला सर क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए हमारा ये वाला क्वेश्चन हमारा सही है बच्चों को ऐसा फील हो रहा है ठीक है अब सुनना बेटा वेलोसिटी रूट ऑफ टू जी एम अपॉन आर होता है, होता है बेटा, यही पढ़ते हो तुम लोग स्केप वेलोसिटी इसके बराबर दे रखा है, है अब बेटा अगर मैंने क्या बोला तो स्केट है फोर टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ एंड द सेम डेंसिटी तो तुमको क्या लग गया ना बेटा कि तुम रेडियस को तो चार गुना कर दियो पर मास का क्या होगा तुमको ये नहीं समझ में आया बेटा मास इसका मतलब अगर मास डेंसिटी सेम रहने वाली है अगर बेटा मास डेंसिटी सेम रहने वाली है इसका मतलब बेटा मास बहुत चेंज होने वाला है तो एक्चुअल में जो पहले मास बेटा एम था ना अब वो मास कितना हो जाएगा पता है मास को आप कैसे डिफाइन करते हो रो इन टू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब तो बेटा रो आपका सेम रहने वाला है तो अगर रेडियस चार गुना बढ़ गया तो मास बेटा चौसठ टाइम बढ़ जाएगा तो नया वाला जो स्केप वेलोसिटी आएगा बेटा वो क्या आएगा टू राइट जी मास बेटा चौसठ टाइम अब हो जाएगा और यहां पर ये फोर आर आपका निकल के आ जाएगा यहां से इसको काटोगे आप सिक्सटीन टाइम्स आ गया बेटा तो ये आ गया आपका नया वाला वेलोसिटी बेटा टाइम्स ऑफ द पुराना वाला स्के वेलोसिटी आ जाएगा तो आंसर आप लोगों का वन आएगा बेटा ठीक है बेटा क्लियर है सारे के सारे बालक बालिकाओं को देखो यहां पर देख लो जिन लोगों को नहीं दिखा था अभी वो इसको देख लीजिए तो ट्वेंटी थ्री का आंसर बेटा वन निकल के आएगा चलिए ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सारी की सारी चीजों पर डिपेंड करता है ट्वेंटी सिक्स बेटा यस ट्वेंटी सिक्स में बहुत सारे लोगों को अगेन कंफ्यूजन था बेटा देखो मैंने एक चीज क्लियर तुम को पढ़ाई थी अगर दो कंडक्टर को आपस में जोड़ रहे हो दो कंडक्टर को बेटा आपस में जोड़ रहे हो ना तो ये मत सोचो कि चार्ज सेम हो जाता है क्या सेम होता है बेटा पोटेंशियल सेम होता है क्या सेम होता है पोटेंशियल सेम होता है तो आपको बेटा V1 is to V2 basically यहां पर कर देना है और कुछ नहीं करना था वी क्या होता है इंटू आर टू के इंटू क्यू टू अपॉन आर टू यहां से बेसिकली आप देखोगे बेटा तो क्यू वन अपॉन क्यू टू का रेशियो मिल जाएगा उसके एरिया से डिवाइड कर दोगे आपको सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू का रेशियो मिल जाएगा बेटा ठीक है तो यहां से आप लोगों का जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी थ्री ठीक है बेटा समझ में आ गया तो 26 में का आंसर आप लोगों का सी आ गया अच्छा ये 27 फर्जी क्वेश्चन एकदम फर्जी क्वेश्चन और तुम लोग बेवकूफों गलत करके आ गए हो ठीक है इसका आंसर सी होगा एकदम सीधे सीधे क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन था और इसमें कुछ करना ही नहीं है यार तुम लोग को पता है ई e क्रॉस बी जो आना चाहिए वो आई डायरेक्शन में आना चाहिए और वो परपेंडिकुलर होना चाहिए इ, इ, इनके बाकीपॉन्डिंग में तो बेटा वहां से आप लोग का सीधे सीधे आंसर इसमें मैच कर जाएगा तो ट्वेंटी का भी आंसर क्या आ जाएगा थर्ड आ जाएगा अच्छा इसके बाद बेटा ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन है एकदम न्यूटन ऑफ कूलिंग आप लोगों ने लगा लिया और ये कौन सा क्वेश्चन यस का आंसर बेटा आप लोगों का सी निकल के आएगा सिंपल कैलकुलेट कर लेना आ जाएगा ठीक है यहां पर बेटा आपका आंसर टू सी आ गया यहां पर थर्टी को अब देखो यू ये वाला क्वेश्चन ना मुझे तो लग रहा है मैंने एग्जैक्टली exactly यही क्वेश्चन मेरे को एक बार अपने कॉपी में चेक करना पड़ेगा मेरे को याद आ रहा है मैंने exactly यही क्वेश्चन तुम लोगों को करवा दिया एग्जैक्टली exactly बेटा क्वेश्चन तुम्हारे नोटबुक में है ऑलरेडी डिट्टो सेम क्वेश्चन बेटा नोटबुक में है कि अगर मेरे को जो एम है उसके जगह पर किसी और के टर्म्स में अगर मेरे को निकालना हो तो मेरा आंसर कैसे निकाल के आएगा ये मैंने करवाया और डिटो सेम क्वेश्चन बेटा तुम्हारे कॉपी में मिल जाएगा ये चीज जो मैंने पढ़वाया ठीक इसके बाद बेटा एस के लिए आप लोग फॉर्मूला निकाल लेते हो अगर आप लोग तो फॉर्मूला निकाल लेते हो जो फॉर्मूला बेटा निकालते हो आप तो क्या आता है टू एन माइनस वन वाला टर्म बेटा ऊपर आता है अब जब आप एस एन प्लस वन के लिए निकालोगे तो टू एन माइनस वन आया था तो उसके एक चलो एक में आया था टू एन माइनस वन अब दूसरे में क्या करोगे टू इन टू एन प्लस वन माइनस वन करोगे बेटा तो ये आएगा टू एन माइनस वन ये टू एन प्लस टू माइनस वन मतलब कि प्लस वन आ जाएगा तो टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू एन प्लस वन आप लोगों का निकल के आ जाएगा तो ये आपका थर्टी वन निकल के आ गया ठीक है थर्टी टू का आंसर बेटा सेकेंड हो जाएगा सीधी सी बात है जब आप नीचे आ रहे हो तो क्या होगा धक्का मारेगा कौन बायसी लगेगा ऊपर की तरफ और उसकी डेंसिटी चूंकि आधा है तो ये एम नीचे लग रहा था तो उसकी ऊपर की तरफ तरफी फोर्स कितना लगेगा बाई टू लगेगा तो नेट फोर्स बेटा जो नीचे की तरफ लग रहा होगा वो एम जी बाई टू के बराबर होगा बेटा ठीक है इसके बाद देखो मैथ कितना आसान आसान मैथ मतलब ये सब तो ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे यार ये सारे के सारे क्वेश्चन देखो थर्टी का आंसर बी हो जाएगा हो जाएगा आराम से ऑप्शन एलिमिनेट करके हो गया थर्टी के केस में बेटा आप लोग का फोर आ जाएगा ऑप्शन एलिमिनेट करके बेटा ये सारी चीजें हो गई 35 अगेन यार अगेन बेटा 35 ऑप्शन एलिमिनेट करके आप लोगों का आंसर आ रहा है ये ऑप्शन एलिमिनेट करके आ रहा है कि केवल आप दो को भी पकड़ लिए ना आपने अगर दो को भी पकड़ लिया कि ए और सी पकड़ ले रहे हैं ए और डी पकड़ ले रहे हैं तो आपका आंसर निकल के आ जाना है ठीक है फिर से बेटा क्रॉस प्रोडक्ट मतलब देखो बेटा दो क्वेश्चन तो सीधे क्रॉस प्रोडक्ट पे आए थे तुम लोग वेक्टर वेक्टर को लाइट ले लेते हो ना ये जो जूनियर बच्चे सुन रहे होंगे नीट 2022 और 23 के लिए बेटा यूनिट एंड डायमेंशन वेक्टर मतलब इतने क्वेश्चन आए हैं ना बेटा इनडायरेक्टली यूज होते हुए डायरेक्ट नहीं आए बट वो इनडायरेक्टली इतने ज्यादा क्वेश्चन आ गए ना कि तुम लोग ये सोच लो कि मतलब उनके बिना आपके कम से कम पंद्रह सोलह नंबर तो सीधे सीधे जा रहे थे बेटा तो यूनिट एंड डायमेंशन इतना इतना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हो हो गया गया और आप लोगों का वेक्टर से इतना हो गया। यहां पर बेटा अगेन क्यू की वैल्यू दे रखी है तो आसान है तो तो आसान आपका एफ क्या हो गया बेटा यहां पर वी क्रॉस बी हो गया अब इसका डिटर्मिनेट फॉर्म यूज करो वी क्रॉस बी का उसको इक्वेट कर दो फोर्स के साथ बाकी और कुछ इसमें अगेन करना ही नहीं है तो यहां पर आंसर बेटा आप लोगों का ये वाला निकल के आ जाएगा ठीक है फिर इसमें

अपोजिट वाले का रेसिस्टेंस हम ऊपर लिखते हैं तो अगर मैं आई अगर मैं आई थ्री की बात कर रहा हूं बेटा तो अपोजिट वाला रेसिस्टेंस कौन है आर टू डिवाइडेड बाई टोटल। बात खत्म भाई बात खत्म हो गई तुम्हारी यहीं पर इसमें अगर आपको I1 से रिलेशन लिखना था I2 टू का आई थ्री का तो सीधे सीधे बेटा आपने अपोजिट वाले का रेसिस्टेंस लिख रे, सीधे -सीधे ये सारी चीजें ठीक अच्छा ये क्वेश्चन में बेटा बहुत गलतियां लोगों ने की है बहुत गलतियां लोगों ने की है मैं बता रहा हूं यहां पर गलती क्या हुई है तुम लोगों को पता है कि जो जे होता है बेटा वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है भाई फोर्स इन टू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम यही तो इंपल्स पड़े हो ना तुम लोग अब चेंज इन मोमेंटम में तुम लोगों से क्या गलती हो गई कि चेंज इन मोमेंटम तुमने एमवी लिख दिया पर बेटा एमवी नहीं है चेंज इन मोमेंटम यहां पर ये जमीन है ये क्या है बेटा ये जमीन है अब यहां से बेटा जब ये नीचे आया है तो बेटा इसके पास मोमेंटम एम वी है इससे जब ये रिटर्न हो रहा है तो मोमेंटम एम वी है तो चेंज इन मोमेंटम जो है बेटा वो एम वी माइनस ऑफ माइनस एम वी है मतलब चेंज इन मोमेंटम बेटा एक्चुअली में टू एम भी है तो देखो इस बालक ने भी जिसने भी मारा हुआ है फोर्थ मारा है नहीं बेटा करेक्ट आंसर आप लोगों का जो होगा वो थ्री होगा ठीक है चलो अब थोड़ा साफ सुथरे में करते हैं यहां पर बेटा ट्रांसफार्मर का सीधा फॉर्मूला मतलब कोई दिमाग ही नहीं लगाना इस तरह के फॉर्मूले डायरेक्ट बेटा आप लोगों के ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए फोर्टी वन का भी ऐसे ही सेकंड आप लोगों का निकल के आ गया ठीक है ये फोर्टी टू का आप लोगों का वन निकल के आ गया प्रॉपर बेटा इनको सॉल्व कर लो आराम से आंसर निकल के आ जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है ये क्वेश्चन अगर मैं बोलूंगा देखो मेरे से तुम पूछोगे कि सर इस पेपर का मतलब सबसे अच्छे क्वेश्चंस सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से कौन सा क्वेश्चन है तो आई विल से कि बेटा ये इकलौता एक ऐसा क्वेश्चन होगा ना जिसके वजह से काफी लोगों की रैंक गड़बड़ होगी मतलब रैंक क्या गड़बड़ होगी मतलब नंबर थोड़ा सा नीचे गिरेगा जो अगर मान लो इंडिया में लेट्स अज्यूम 200 लोगों के 180 में 180 आने वाले थे ना बेटा तो अब जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन वो 200 के जगह पे वो नंबर शायद अब सौ या एक सौ बीस पर आ जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन बाकी करने को बेटा आप इस क्वेश्चन को भी आराम से सॉल्व कर सकते हो हमने अभी solve कर लिया इसको। इसका answer आ रहा है, ठीक है उसी तरह से बहुत ईजी है आराम से बस वैल्यूज देख के तुम लोग को डर लग रहा होगा ठीक है बाकी क्वेश्चन बेटा एकदम ईजी है बेसिकली ठीक है चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं बेटा फोर्टी नंबर पर बढ़ते हैं फोर्टी पे बेटा तो फाइव क्या हो गया फाइव क्या हो गया बेटा बी इंटू ए हो गया तो एम आपका मतलब मैं क्या ही बताऊं तुम लोग को इतनी इजी पेपर बेसिकली तुम लोग का ये था ठीक है अब देखो 27 ड्रॉप्स हैं तो 27 ड्रॉप बेटा अगर एक साइज का बनाएंगे तो रेडियस तो बेटा तीन आर के बराबर होगा ना अरे भैया अगर वॉल्यूम इक्वेट करोगे फोर बाई थ्री पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू सत्ताइस गुणे चार बटा तीन पाई आर फोर बाई थ्री पाई स्मॉल आर क्यूब राइट तो उस केस में बेटा कैपिटल आर की वैल्यू थ्री आर के बराबर होगी तो वहां से बेटा अगर वॉल्यूम वहां से अगर आप लोग बात करोगे एरिया का तो नाइन थ्री आर का स्क्वायर मतलब की नाइन आर स्कवायर आ जाएगा मतलब तो नौ गुड़े दो सौ बीस कर देना है सॉल्व आई थिंक इसका आंसर वन था ठीक है यस ही था इसका आंसर ही था बेटा ठीक है चलो इसके बाद से बेटा ये आप लोग सीधे सीधे कर लेना इसका भी ये सब देखो टॉर्क का क्वेश्चन है बेटा टॉर्क का क्वेश्चन है बेटा एकदम मतलब तमीज से तुम लोगों को यह क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हुए हैं ठीक है चलो इसके बाद बेटा ये देखो बताओ ये क्वेश्चन भी क्लास में स्पेशल क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है कि अगर एक लेंस लगा हुआ है और दूसरा मिरर लगा हुआ है तो उस केस में फाइनल इमेज कहां बनेगी तो पहले भाई इसके लिए सॉल्व करिए पहले आप इसके लिए सॉल्व करिए एंड देन बेटा उसके बाद आप इसके लिए सॉल्व करिए ठीक है आप सिंपल सा बात है पहले लेंस लेंस के लिए सॉल्व करो का फॉर्मूला निकालो इसके कारस्पॉन्डिंग इमेज निकालो जो लेंस का इमेज आएगा वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा एंड देन बेटा उसके वजह से आप लोग निकाल लोगे बेटा तो इसका आंसर आप लोगों का ये निकल के आ जाएगा ठीक है फिर बेटा 49 की बात करें तो 49 नाइन का बेटा कितना आसान स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब यू की वैल्यू जीरो दे रखी है एक्सेलेन पांच मीटर दे रखा है टी इज इक्स टू फोर में बेटा बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो बाय अ पर्सन सिटिंग इन द द कार व्हाट इज वेलोसिटी एंड कारेशन ऑफ द बॉल एट इक्ल्स सेकंड तो बेटा सिंपल सी बात है ना कि अगर

बताऊंगा कि जब मैं अभी तुम लोगों के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो एक ब्लेंडर मैंने किया ठीक है मैं जब अभी सॉल्व कर रहा था तुम लोगों का लाइव आने से पहले जस्ट लाइव आने से पहले जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मेरे से इस क्वेश्चन में एक ब्लेंडर हो गया बेटा ठीक है वो ब्लेंडर जो हुआ वो हो सकता है कि तुम्हें भी भी तुम में से किसी के साथ में हुआ हो ठीक है मैंने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया और मैंने ना ये जो तो गोला बना हुआ है ना बेटा उसको मैंने नॉट समझ लिया मतलब मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था या तो जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा था तो मैं ना मेरे को दिख रहा है कि ये गोला यहां पर है लेकिन मैंने समझा कि ये गोला यहां पर लगा हुआ है और उस हिसाब से मैंने मेरे को लगा कि इसका आंसर सेकंड होगा लेकिन बेटा ये गोला एक्चुअली नहीं है दिस इज नॉट द एक्चुअल सीन बेटा यहां पर बेसिकली y की वैल्यू पूछी गई है तो इसका जुगाड़ बेटा मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था जुगाड़ बेटा मैंने तुम लोगों को बताया था हमेशा देखो 0 इज 0 और पांच को भी आप वन में ले सकते हो बेटा क्योंकि बोलियल यहां पर क्या होता है तुम्हारा जब भी हम लोग बाइनरी सिस्टम की बात करते हैं और कुछ तो तुम लोग बात करते नहीं हो तो बेटा उस केस में अगर देखो जीरो एंटर कर रहा है और यहां पर यहां पर पर भी बेटा जीरो जीरो कितना एंटर कर रहा है तो जीरो से जीरो बेटा यहां पर कितना मिल जाएगा यहां पर तुमको जीरो मिल जाएगा यहां पर एंटर कितना किया जीरो एंटर किया यहां पर बेटा सी क्या है आपका पांच है मतलब वन एंटर कर रहा है तो वन और जीरो में घुसेगा बेटा एंड क्या देगा जीरो मतलब अल्टीमेटली ये वन देगा तो और जीरो मिलकर और क्या दे देगा वन दे देगा बेटा तो इस हिसाब से जब आप बढ़ोगे तो आपका जीरो पर ही निकल के आ जाएगा ठीक है तो ये सारी की सारी चीजें जो तुम्हारी ये निकल कर आ गई बेटा ठीक है ये जो भी चीजें थी पूरा का पूरा पेपर जो मैंने आप लोगों को बोला वो पूरा का पूरा हो गया अब मैं आप लोगों को एक आइडिया देना चाहता हूं एक एक सेकंड बेटा रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ ठीक है एक सेकंड रुक जाइए आप लोग आ, एक सेकंड रुक जाइए बेटा ठीक है लेट मी एडजस्ट समथिंग ठीक है बेटा तो एक आइडिया मैं तुम लोगों को देना चाह रहा हूं कि अगर तुम मेरे से पूछते हो कि सर क्या रहेगा मतलब एक्चुअल में क्या सीन रहेगा इस चीज का कितने नंबर हमारे जाएंगे कितने पे क्या होगा ये सारी चीजें अगर तुम मेरे से पूछते हो तो आई विल से वन थिंग बेटा आई विल से वन थिंग ठीक है ये चीजें मैं तुम लोग को पहले ही बता दे रहा हूँ एक सेकंड रुको यार ये क्या हो रहा है आखिर आज ना मतलब एक्चुअली इतने अजीब अजीब सेटअप हो गया ना कि, अभी आई थिंक इट्स फाइन ठीक है मेरे से पूछोगे तुम लोग कि सर कैसा लेवल था क्या पेपर मतलब हम लोग क्या जज करें इस पेपर के लेवल से ठीक है तो व्हाट आई एम गोइंग रिकमेंड वो मैं आप लोगों को बता रहा बेटा ठीक है कि मेरे हिसाब से जो पेपर था जो मेरे हिसाब से बेटा पेपर था फिजिक्स में अगेन मतलब कट ऑफ जो मेरे को नजर आ रहा है बेसिकली वो छो मैंने बोला था छो वही बेटा कहीं ना कहीं रहने वाला है 610 प्लस मार्क्स आप लोगों को सिलेक्शन के लिए चाहिए होंगे लगभग लगभग फिजिक्स में गुड स्कोर इज अगेन मैंने 140 बोला था बट अब मैं वन थर्टी फाइव मार्क्स बोल रहा हूं ठीक है क्योंकि मेरे एक क्वेश्चन जो मेरे को दिख रहा है वो थोड़ा सा सबका मार्क्स गिराएगा बेटा ठीक है तो इस वजह से आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि थोड़ा सा बेटा यहां पर कंसर्न है लेकिन उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वो चीज भी मतलब एकदम सॉर्टेड है ठीक है मतलब उसमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है लेकिन बेटा यही है कि थोड़ा सा नंबर इसकी वजह से आप लोगों का एक क्वेश्चन की वजह से कम हो जाएगा बेटा ठीक है चलो तो अगर मैं अपने बारे में बताऊं बेटा बहुत सारे लोग जो लोग आज ये वीडियो देख रहे होंगे उनको नहीं पता होगा हो एम

तुम्हारे पास तुम तुम्हारे पास कोई बैक में मतलब पास्ट में जाने का कोई ऑप्शन नहीं है बेटा ठीक है पास्ट में जाने का कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है बेटा कि तुम तुम अब लड़ाई करो आगे के लिए, तुम फाइट करो आगे आगे के के लिए लिए फाइट अपने सपनों को पूरा करने के लिए नीट दो के लिए ठीक है मैं अभी और भी सारी वीडियो बना दूंगा कि, कि किस कहां पर क्या चीजें आप लोग को अवेलेबल होंगी क्या चीजें होंगी बेटा बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू बेटा कि हमारा एक बैच आगाज बैच बेटा क्या नाम है आगाज बैच आप सबसे पहले ही मेरा नाम आप लोगों को नजर आ रहा होगा मेरी क्लासेस बेटा स्टार्ट हो रही है 17th ऑफ सितंबर से मतलब यहां फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बेटा पूरा का पूरा होगा सत्रह सितंबर से बेटा अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही है आप इसमें इनरोल करने के लिए आपको जो कोड यूज करना है वो अंकित सर कोड यूज करना है अगर आपने ये कोड अंकित सर यूज किया बेटा तो इन दैट केस आप लोगों को टेन प्लस टेन मतलब ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा प्लस मेरी मेंटरशिप मिलेगी बेटा आप लोगों को ठीक है स्टडी मटेरियल मिलेंगे सब कुछ बेटा आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा यहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर है बेटा केमिस्ट्री के रजत सर बकुल सर ठीक है शिवानी मैम अर्चना मैम ये सारे के सारे बहुत ही अमेजिंग टीचर्स है और अन सब्सक्रिप्शन पर अभी केमिस्ट्री का सोल्यूशन होना बचा है जस्ट me टू मिनट अभी रजत सर इसके बाद अंकित सर ठीक है ये बैच भी बेटा बहुत ही अमेजिंग है आनंद सर आप लोग जानते ही हो ठीक है तो उनके गाइडेंस में यह बैच होने वाला है एक है आपका साकार बैच बेटा ये भी सत्रह तारीख से स्टार्ट हो रहा है सत्रह तारीख से ये बैचेस भी बेटा स्टार्ट हो रहा है तो इन किसी भी बैचेस में बेटा आप लोग इनरोल कर सकते हो बस क्या करना है बेटा जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो प्लस का या आइकॉनिक का ठीक है तो आई विल रिकमेंड कि जो भी 2022 वाले स्टूडेंट है वो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे जो भी 24 जो भी 2023 वाले बच्चे हैं बेटा वो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होगे बेटा तो हैव अ रेफरल कोड में आपको अंकित सर डालना है ए एन के आई टी एस आई आर विदाउट एनी गैप एंड देन बेटा आपको प्रोसीड टू पेपर क्लिक करना है आपको बेटा टेन प्लस टेन परसेंट का आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा ठीक है और मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में भी आप लोग आ जाओगे देख लो बेटा आपको अभी इस समय ऑफर चल रहा है आप लोगों का ठीक है टेन प्लस टेन परसेंट टेन प्लस टेन परसेंट का डिस्काउंट बेटा आप लोगों को मिलेगा ठीक है और प्लस बेटा आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा मेरे गाइडेंस में आप लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा आपको डीपीपीज मिलेंगे स्टडी मटेरियल मिलेगा बेटा पूरा का पूरा और आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे प्रॉपर और हंड्रेड प्लस टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा तो दो और दो वाले देखो बेटा डिले नहीं करना है बैचेस पंद्रह तारीख और सत्रह तारीख से सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट हो रहे हैं तो उसमें एनरोल कर लीजिए कोड अंकित सर आप लोग यूज कर लीजिएगा ठीक है बेटा तो चलो अभी मैं इस स्ट्रीम को लेट मी कंफर्म विद द केमिस्ट्री सर ठीक है मैं इस स्ट्रीम को एंड करने जा रहा हूं बेटा ठीक है और वो स्टार्ट करेंगे एक सेकंड रुक जाओ ठीक है मैं अभी इस स्ट्रीम को एंड कर रहा हूं तो यहां गोल 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 बेटा मुश्किल से 10 20 सेकंड के लिए घूमेगा एंड देन आफ्टर दैट बेटा रजत सर आप लोगों के केमिस्ट्री टीचर जो है वो पूरा का पूरा केमिस्ट्री की एनालिसिस आप लोगों के कर देंगे बेटा ठीक है चल दैट्स ऑल थैंक uh, यू बेटा ठीक है बाकी और मैं आप लोग के लिए वीडियोस बना दूंगा, जो भी आप लोग की रिक्वायरमेंट है जैसी जो जो चीजों की जरूरत है उन सारी चीजों पर बेटा हम लोग बात कर लेंगे गुड इवनिंग एवरीवन कैसे हैं भाई तो आखिरकार जो डर था है ना जो लग रहा था बहुत नर्वस फील कर रहे हैं सर बहुत घबराहट हो रहा है सर कैसे हो पाएगा ये सब हो गया बहुत अच्छा हो गया जब तक जितने बच्चों के मैसेजेस मुझे अभी तक आए हैं डेफिनेटली सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है और तुम्हारी खुशी के साथ हमारे फेस पे भी अलग ही खुशी दिख रही है ना जब एग्ज़ाम थोड़ा मुश्किल आता है कुछ ब्लंडर क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चे परेशान दिखते हैं तो बच्चों के साथ साथ अक्सर टीचर भी परेशान होता है लेकिन आज मैं काफ़ी खुश हूँ और मैं भी खुश हूँ और मौसम भी बहुत अच्छा है बारिश हो रही है काफ़ी तेज है ना तो किसी का यार हंस रहा होगा ना वो वाला गाना चल रहा था अभी थोड़े दिन पहले कि यार हंस हाँ रहा है बारिश की जाए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके लिए पेपर लेकर आया हूं ताकि किसी को समझने में दिक्कत ना हो हालांकि मुझे हिंदी समझने में दिक्कत बिल्कुल होने वाली है मैं आंसर आपको इंग्लिश के अकॉर्डिंग फटाफट बताता जाऊंगा आप अपने क्वेश्चन पेपर को लेकर बैठिएगा और फटाफट नोट करते जाइएगा एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी लेकिन टू द पॉइंट टू द शॉर्ट बोर नहीं करेंगे विद इन द दी टू ट्वेंटी तो एक बार फटाफट बता दो अरे कैसा लग रहा है एग्जाम देकर खुश हो रहे हो या नहीं हो रहे जब एग्जाम में जब इतने आसान-आसान क्वेश्चन देख देते ऐसे फील कर सकता हूं, तुम्हारा मन कर रहा होगा एक एक कर या बाहर थे तब ऐसा मन कर रहा होगा हाँ नाचते हुए डांस करते हुए थोड़ा सा चिल्लाते हुए शोर मचाते हुए अपने मम्मी पापा पेरेंट्स जो भी आपके साथ गए थे उनकी तरफ जाए अच्छी बात है अगर आपने मेहनत की थी तो वो मेहनत इस पेपर में बहुत टू द पॉइंट पूछी गई थी मतलब जो क्लासेस में आपने मेरे से केमिस्ट्री पढ़ी है या किसी भी टीचर से पढ़ी है मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरी क्लास से 99.99 नाइन परसेंट क्वेश्चन आए थे एक्चुअली क्वेश्चन आर सो मच बेसिक दैट वो हर टीचर, हर टीचर के नोट्स में हर टीचर की क्लासेस में आपको मिल जाएंगे तो थिंग इज दैट मैंने हमेशा कहता था कि एग्जाम कैसा आएगा एग्जाम बेसिक आएगा क्वेश्चन इज दैट क्या तुम्हें बेसिक्स आते हैं डेफिनेटली नोट अगर तुम्हें बिल्कुल बेसिक सभी आते होते तो तो सभी बच्चों के 720 में से 720 आते यस येस yes, हम बेसिक्स में बिल्कुल आसान क्वेश्चंस में भी गलतियां करते हैं तो होती है चलिए कोई बात और यहाँ पर गलती के बारे में पूछा गया पूछा गया इन करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है आई होपो so, आपको पेपर तो क्वेश्चन तो अच्छे से दिखाई दे रहा होगा बोल रहा है मेटल्स है हाईली रिएक्टिव है बिल्कुल एल्कुलर्थ मेटल्स के कम्पेरेटिव मतलब उसके आस पास के रिएक्टिव होते हैं क्योंकि काफी लूजली हेल्ड इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी के सभी मेटल्स होते हैं ये स्टेटमेंट तो सही है आंसर नहीं बता रहा हूँ स्टेटमेंट सही बता रहा हूँ

बिल्कुल वेरी वेरी नमस्कार बेटा सृष्टि वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इस क्वेश्चन को देखकर मैं एक बार के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था शायद एग्जामिनेशन बाहर तो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आने के बाद तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा बच्चों वाला क्वेश्चन लेकिन एग्जामिनेशन में टू प्लस टू फाइव भी होता है क्योंकि प्रेशर एक ऐसी ही चीज होती है उल्टा दिया गया है एस्पिरिन और पैरासिटामोल जैसी नॉर्मल टेबलेट जो हम लेते हैं वो हमारी कैसी होती है वो हमारी नॉन नार्कोटिक्स होती हैं और जो ड्रग्स होती हैं मोर्फिन या पोपिएट्स हेरोइन के पोपिएट्स के जितने डायरिबिटी होती सारी नार्कोटिक्स होती है यहां पर उल्टा लिखा ऊपर वाले के लिए नार्कोटिक्स नीचे वाले के लिए नॉन नार्कोटिक्स लिखा है तो आंसर क्या हो जाएगा सर दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है तो आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा फटाफट बताओ इज इट क्लियर

ऑक्सीजन से बाइंडेड ये दोनों के दोनों ऑर्डर मैंने आपको तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट एसिडिटी का ऑर्डर सही है और क्यों सही है कि सर, का हमें आप हाथी से हैंडशेक करने के कहोगे तो हमारे हाथ अच्छे से ओवरलैप नहीं होंगे दो ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करने के लिए साइज भी तो भाई सिमिलर होना चाहिए हाइड्रोजन के बनस का साइज छोटा है और आयोडीन के 5p का साइज बड़ा ड्यू टू बिगर साइज This bond is easily breakable, और जितना आसानी से बोन्ड टूटेगा एसिड उतना ही अच्छा बनता जाएगा तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर विल बी ऑप्शन बी इज इट क्लियर चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्मूला जैसे मैंने आपको कहा था कुछ बच्चे कह रहे थे सर थर्मोडायनेमिक्स मुश्किल चैप्टर है क्या करें मैंने कहा बेटा मुश्किल चैप्टर जो होते हैं वो एग्जाम में आसान तरीके से आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने ऐसा बोला था लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ना पूछकर सीधा बस फॉर्मूला ही पूछ लिया इससे आसान कुछ हो नहीं सकता था फॉर्मूला भी मुश्किल वाला नहीं पूछा Cp माइनस सीवी इज इक्वल टू आर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के अंदर आपको इजिली पढ़ाए जाने वाला फॉर्मूला आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी इज इट क्लियर टू एवरी चलिए यहां पर ये क्वेश्चन ऐसा था जिसको कुछ बच्चे समझने में गड़बड़ कर देंगे और कुछ बच्चे समझने के बावजूद भी याद नहीं होता है डाटा पूरा का पूरा यहाँ पर थोड़ा पूछ लिया था आ, कुछ बच्चे तो ये समझ जाएंगे कि कितनी ब्रेविस लेटिस हैं वो पूछ रहा है और आंसर क्या मार्क करके आ गए बी मार्क करके आ गए कि हाँ सर सात ब्रेविस लेटिस होती है वो ऐसे ही बात नहीं कर रहा है वो बात कर रहा है बेटा आपसे कि बीसीसी किसके अंदर होता है हमारे पास सात होती है सी टी ओ एम टी एच आर सी टी ओ एम टी एच आर यहां पर क्यूबिक टेट्रागोनल ओर्थोगोनल मोनोक्लिनिक हेक्सागोनल रोम्बोहेड्रल ये हमारे पास छ होती हैं जबकि इनके बी जो है वो हमारा सिर्फ इन पहले तीन के अंदर क्या होता है बेटा बी होता है तो उसने पूछा था बी किस किस में होता है तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया आंसर क्या आएगा हमारा फर्स्ट आएगा कि बीसीसी सिर्फ तीन में होते हैं किस किस में क्यूबिकल टेट्रागोनल और ऑर्थोगोनल और के अंदर और लास्ट के तीन की जब हम बात करेंगे वेन आई टॉक अबाउट द लास्ट थ्री जब हम मैं बात करता हूं ट्राई हेक्सागोनल एक्सागोनल रोमोहड्रोल वो सिर्फ एस होते हैं सिंपल क्यूबिक इस आंसर क्या आ जाएगा आंसर ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन सब के अंदर कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा कोवेलेंट है और ऑर्गेनिक के अंदर सोल्यूबल है डेफिनेटली कोवेलेंट होगा तो ऑर्गेनिक में सोल्यूबल होगा आयनिक होगा तो पोलर में सोल्यूबल होगा फैजान रूल का इतना आसान सा क्वेश्चन है कि क्लोराइड आयन तो कॉमन है मान लो तुम्हें नहीं पता कि कौन सा कोवेलेंट है आप बेस्ट कोवेलेंट तो ढूंढ सकते हो क्लोराइड आयन इज कॉमन इफ यू सी यहाँ पर अगर हम कैटाइन के साइज की बात करते जाएं यहाँ पर बेरेलियम है यहाँ पर कैल्शियम टू प्लस है यहाँ पर स्ट्रोनशियम टू प्लस है और यहाँ पर मैग्नीशियम टू प्लस है इसको तो हम बहुत अच्छे से ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं सबसे छोटा साइज बेरेलियम का है फिर मैग्नीशियम का है फिर कैल्शियम का है फिर स्ट्रोनशियम का है तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर की जब हम बात करते हैं स्मोलर द साइज ऑफ कैटायन और उतना ही ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर तो सबसे ज्यादा बीई प्लस टू में होगा फिर एम जी प्लस टू में होगा फिर कैल्शियम में होगा और फिर हमारा स्ट्रोनशियम में होगा

Uh, अल्फा रेज अल्फा रेज तो सर एच ई टू प्लस होती है क्या ये अरे जब खुद के पास दो प्रोटोन नहीं है तो दो प्रोटोन रिलीज कहां से कर देगा बिल्कुल नहीं रिलीज क्या करता है बीटा रेज करता है क्या करता है बीटा रेज रिलीज करता है किस तरीके से कुछ इस तरीके से हाफ लाइफ टाइम अच्छी खासी होती है 12.3 पॉइंट थ्री ईयर वन ऑफ द प्रोटोन गेट वन ऑफ द न्यूट्रॉन गेट कन्वर्टेड इंटू प्रोटोन

आंसर क्या आएगा आंसर ऑप्शन बी आएगा आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट ब्लास्ट फर्नेस के अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाता है अगर आप देखेंगे अलग अलग कंपार्टमेंट के अंदर अलग अलग टेम्परेचर होता है लेकिन जहां पर मैक्सिमम होता है वहां पर आपकी एनसीआरटी का जो टेम्परेचर है वो 2170 दिया गया है अगर आप अपने के का टेबल निकाल कर देखेंगे 2170, तो क्या होगा, 22, uh, तक आपका जाने वाला है चलिए आगे मूव करते हैं के question, हर साल इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन पूछे जाते थे मुश्किल नहीं लेंथी क्वेश्चन पूछे जाते थे मैंने क्लास में ना जाने हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन करवाए हैं ये कह के कि बेटा जनरली हाइब्रिडाइजेशन का जब क्वेश्चन आता है ना तो वो एक मिनट में तुमसे आठ या दस हाइब्रिडाइजेशन पूछना चाह रहा होता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया यार उसने तुम्हारे लिए चीजों को बिल्कुल इजी बना दिया सिर्फ एक एटम की हाइब्रिडाइजेशन पूछ ली बी एफ थ्री वो भी इतना कॉमन की एवरीबडी नोइट की एक अब और बाइटल होता है बैक बॉन्डिंग होती है हाइब्रिडाइजेशन एस टू होती है और इसके पास क्या होते हैं बेटा छे इलेक्ट्रॉन sp2 के साथ छह इलेक्ट्रॉन होते हैं एवरीबडी नो अबाउट था और कोई भी पाएंगे क्या यहां पर अगर परोक्साइड लिख देता तो शायद वो पहचान जाते कि अच्छा अच्छा एंटीमार्कोनिक करना है लेकिन इस मॉलिक्यूल के फॉर्मूले से कुछ बच्चे नहीं समझ पाए दिस कंपाउंड इज नेम एज बेन्ड क्या बोलते हैं बेटा इसको This is known by name peroxide. इस peroxide के अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसी होती है बस अब इतनी सी बात है हमें तुमसे प्यार है, है ना ऐसा कौन बोल रहा है एंटी मार्गोनिकोल रहा है बोल रहा है कि अगर आपने एच बी आर एंड परोक्साइड डाला एंटी मार्गोनिको फेडिशन होगा और एंटी मार्गोनिको फेडिशन होगा आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा सभी बच्चों ने उम्मीद करता हूं कि यही क्वेश्चन मार्क किया होगा चलिए हमने साठ क्वेश्चन मतलब दस क्वेश्चन अभी तक कर दिए हैं फिर क्वेश्चन आता है हमारे पास मोलर कंडक्टेंस का अगेन

और इसमें से माइनस एन ए सी एल कर देता हूं तो डेफिनेटली हमें किसकी कंडक्टिविटी मिल जाएगी वी गेट द कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड वाइस सो आप खुद से देख सकते हैं कि सर होगा क्या एन ए से एन ए कैंसिल हो जाएगा सीएल से सी एल कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या एसिटेट आयो एच प्लस और दोनों को जोड़ देंगे तो किसकी कंडक्टिविटी मिल जाएगी सर एसिटिक एसिड की नाउ जस्ट पुट द वैल्यू बस यहाँ पर एग्जामिनेशन में कुछ बच्चों इन वैल्यू को रिस्पेक्टिवली दिया है वो लेना भूल जाते हैं और बस इतने में मामला क्या हो जाता है गड़बड़ सबसे पहले आपको सोडियम एसिटेट की रखनी है वैल्यू कितनी दी गई है किसकी करनी है एल की करनी है, की करनी है कितनी दी गई है फोर ट्वेंटी में चल रहा हूं और हमें इसके बाद माइनस किसकी करनी है माइनस करनी है एन की जो हमें कितनी दी गई है वन ट्वेंटी सिक्स ऐसा करेंगे तो आंसर आपका थ्री नाइनटी आ जाएगा आंसर आपका क्या आ जाएगा बेटा आंसर विल बी ऑप्शन सी सी ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा आंसर आएगा फटाफट बताओ समझ आ रहा है बताओ जरा अभी तक के 11 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन गलत मिले क्योंकि गलत कम मिले होंगे एक या दो मिला होगा मतलब एक ही मिलना चाहिए यार ज्यादा नहीं मिलने चाहिए उम्मीद करता हूं कि अब तक या तो हो सकता है जीरो या हो सकता है एक फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ सही चल रहा है अब तक मामला सी ऑप्शन समझ आ रहा है इसका इन दोनों को एड किया गलती तो नहीं की हो ना कोई मिस्टेक वाली इन दोनों को एड इसको सब कर दिया अब तो सब समझ आएगा बात यह एग्जामिनेशन में समझ आया था कि नहीं चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कितना आसान क्वेश्चन है इसको फिजिक्स का बोल लें केमिस्ट्री का बोल लें एटोमिक स्ट्रक्चर जिसमें इतने धांसू धांसू फॉर्मूले आपके पास हैं और उसने क्या फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछना तुम्हारे लिए जायज समझा उसने इस फॉर्मूले से सी इज इक्वल टू न्यू इन लैमडा इस आसान से फॉर्मूले से तुमसे क्वेश्चन पूछना समझा लेकिन आज तक मैंने इतनी गंदी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन कभी नहीं देखा आज तक मैंने नीट एग्जामिनेशन की हिस्ट्री में इतनी गंदी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन कभी नहीं देखा मतलब गंदी मतलब मुश्किल है क्या सर मैंने कहा मुश्किल नहीं है लेकिन मैं रीजन अभी बताता हूं कि वट इज द रीजन बिहाइंड दैट पूछ क्या रहा है सर लेमडा पूछ रहा है सी की वैल्यू कितनी है थ्री इंटू की पावर एट और न्यू की वैल्यू कितनी है किलो हर्ट्स में है हमें तो हर्ट्स में लेनी है क्योंकि इसकी मीटर पर सेकंड में है तो नीचे हमें पर सेकंड में लेना है तो हम लेंगे वन थ्री सिक्स एट इन टेन की पावर थ्री हर्ट्स या पर सेकंड एक ही बात है अब गलत क्या था इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेशन में मैंने कहा गड़बड़ थी इसका आंसर हमारे पास एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो टू वन पॉइंट थ्री आएगा बट बात यह है कि हमारे पास एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होता है और इतना पास पास ऑप्शन देना पाप है ऐसा करना कदापि बच्चों के साथ गलती है ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं कि सर आंसर तो चलो आपने तो निकाल दिया आपके पास तो कैलकुलेटर था हाउ वी आर सपोज टू कैलकुलेट दिस पॉइंट्स में डेसिमल्स का ध्यान हम कैसे रख पाते हाँ। तो यहां पर मैं कह सकता हूं थोड़ी सी गड़बड़ थी उसको गैप देना चाहिए था और आंसर क्या आ रहा है अभी के लिए ऑप्शन बी आ रहा है उम्मीद करता हूं कि तुमने कर लिया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट टेंथ क्लास का क्वेश्चन इसको कह सकते हो बोल रहा है कौन सी रिएक्शन यहाँ पर मेटल डिस्प्लेसमेंट अरे नाम से पता लग रहा है किसम मेटल को हटाया जा रहा है यहां पर मेटल कहीं से हट रहा है क्या नहीं सिर्फ डीकम्पोजिशन हो रही है लेड नाइट्रेट से लेड ऑक्साइड बन रहा है no नोटू बन, बन रहा है ऑक्सीजन बन रहा है दिस रिएक्शन इज डीजिशन रिएक्शन नेक्स्ट पोटेशियम के क्या कर रहे हो डिकम्पोजिशन करवा रहे हो ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर करने का वन ऑफ द मेथड अगेन डीकम्पोजिशन नोबड़ी इज रिप्लेसिंग द मेटल लास्ट के अंदर अगर हम सी ऑप्शन जो इसका आंसर दिया गया है वहां पर अगर मैं देखता हूं तो क्रोमियम ऑक्साइड के अंदर क्रोमियम हमारा किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है प्लस थ्री में है और यहाँ पर एक एल्यूमिनियम आता है इज एक्टिव एक्टिव मेटल मेटल एज टू क्रोमियम क्रोमियम के एक ज्यादा है उसने खुद ने ऑक्साइड बना लिया कैसी रिएक्शन है दिस इज ए रेडोक्स रिएक्शन ऑल्सो वेर द क्रोमियम इज गेटिंग रिड्यूस एंड एल्यूमिनियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड मेटल इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड फॉर्मिंग दिस है तो हमारी रिडोक्स पूछता तो तो आंसर फोर्थ भी आ जाता लेकिन सिर्फ मेटल डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो मेरे दोस्त आंसर सिर्फ ऑप्शन सी आएगा समझ आ रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बोल रहा है है टिंडल इफेक्ट कौन देता बताओ मतलब इतना आसान पेपर था बेटा कह नहीं सकते मतलब चैप्टर को अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं है चैप्टर की समरी पढ़ के गया हुआ बच्चा अगर जिस बच्चे ने लास्ट तक हिम्मत नहीं था मैं ऐसा नहीं कह रहा वो टॉप कर देगा बहुत अच्छे नंबर ले आएगा नहीं बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि नीट को क्वालिफाई फॉर हंड्रेड नंबर तो सिर्फ तब लिए जा सकते थे अगर आप पूरा साल ना पढ़ के लास्ट में समरी पढ़ ली होती हिम्मत ना छोड़ी होती तो भी ये आसान क्वेश्चन थे पूछ रहा है टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है कोलोइडल शो करता है पहले तीनों बनाएंगे ट्रू सोलूशन पहले तीनों क्या बनाएंगे सर ट्रू सोल्यूशन बनाएंगे और ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे तो कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी चलिए शाबाश आगे मूव करते हैं बोल रहा है किस कंपाउंड में मेटामेरिज्म आएगा जिसमें आएगा वो तो मैं बता ही देता हूं बाकी में क्यों नहीं आएगा वो भी मैं बता देता हूं फर्स्ट कंपाउंड जो है हमारा अगर उसका डी बी निकालोगे तो जीरो आएगा और पहला कंपाउंड बनाओगे तो डाई मिथाइल ईथर आएगा जिसका फॉर्मूला सी टू एच टेन O है क्या है फार्मूला C4H10O है और ये हमारा जब इसका मैं मेटामर बनाऊंगा मेटामर में क्या होता है पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अक्रोस आपको कुछ चीजें बदल नहीं होती है ये लीजिए मैंने बदल दी और ये दोनों एक दूसरे के क्या बन गए मेटामर बन गए व्हाई नॉट पेंटेन ये पेंटेन है सर इसमें तो कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है दिस इज द कंपाउंड पेंटेन बिना फंक्शनल ग्रुप के तो शो ही नहीं कर सकता Why not the next one, C3H8O. C3H8O हमारा नहीं शो कर सकता अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर वो भी शो कर सकता है तो मैं अभी आपको बता देता हूं दिस इज आवर सी थ्री एच एट ओ और इसका अगर बनाने की कोशिश करोगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बन जाएगा मेटामर नहीं बनेगा क्या बन जाएगा बेटा अगर इसमें इधर रिप्लेस करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर दीज आर नोट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर और इसी तरीके से जो आपका फोर्थ ऑप्शन दिया गया है सी थ्री एच सिक्स ओ वहां पर क्यों नहीं शो कर सकता क्योंकि बेटा वहां पर तो आपका DBE ही अलग है क्या फॉर्मूला दिया गया है C3H6O जब दिया गया है तो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर इसका DBE वन है और यहाँ पर जो कंपाउंड हमारा बनना पॉसिबल है वो सिर्फ यही बनना पॉसिबल है और ये मेटा मेटामे शो नहीं कर सकता ये फिर से क्या शो करेगा दीज आर नॉट एल्डिहाइड उम्मीद करता हूं ऑप्शन ए के अलावा आप कोई भी आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं निकाल पा रहे होंगे तो क्लियर हो गया होगा चलिए ज्योमेट्री के बेस का आसान सा क्वेश्चन जीरो लोन पेयर छह बॉन्ड पेयर BRF5 स्क्वायर पिरामिडल एक लोन पेयर पांच बॉन्ड पेयर और BF3 हमारा ट्राइगोनल प्लेनर तो यहां पर इसको हम देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे ऑप्शन कर दिए होंगे तो ए का कौन सा मैच कर रहा है ए का फोर्थ मैच कर रहा है तो इन दो को मैं कैंसिल कर देता हूं बी का कौन सा मैच कर रहा है बी इज थर्ड मैच कर रहा है सी का कौन सा मैच कर रहा है सी का हमारा मैच कर रहा है फर्स्ट तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर समझ आ रहा है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बोल रहा है कौन सा एडिशन पॉलीमर कल की क्लास में कल शाम को सात बजे का सेशन जाकर देख लो उस क्लास में क्वेश्चन करवाया था कल शाम को सात बजे ही क्लास में ये क्वेश्चन करवाया था कि एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या डिफरेंस होता है जब हम बात करते हैं सी एफ टू और सी एफ टू की जब हम इसको पॉलीमराइज करवाते हैं तो सी एफ टू यहां पर आएगा सी एफ टू और इस तरीके से यहां पर एन आ जाएगा उंड इज द एडिशन पोलिमर यहाँ पर कुछ बाहर नहीं निकल रहा है बाकी में वोटर मोलिक्यूल बाहर निकलता है आर बी सी की डेफिशेंसी से अरे फ्यूचर डॉक्टर हैलो फ्यूचर डॉक्टर्स हाउ इज यू ऑल तो अब तो ऐसा होगा ना कि वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर बनने के बाद जब भी मैं कभी आप में से किसी से मिलूं तो मैं एज ए स्टूडेंट आपको एज ए स्टूडेंट या एज ए फ्रेंड ही मिलो एज ए डॉक्टर प्रोफेशन मेरी कभी आपसे मुलाकात ना हो ऐसा मैं चाहूंगा लेकिन फिर भी दवाइयों का तो पता लगा ही लोगे ना आप धीरे धीरे सब पता लग ही जाएगा तुम्हें हाँ तो तु क्या बात कर रहे हैं आरबीसी की डेफिशिएंसी से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है विटामिन बी की कमी से होता है आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हिजनबर्ग टेस्ट परसों की दो तीन दिन पहले की क्लास दो जहां पर नाइट्रोजन फैमिली की क्लास ली थी तीनों बहुत अच्छे से लिखकर बताया था कि अमाइन का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है टर्सरी जो है वो हिजनबर्ग टेस्ट देगा ही नहीं ये एन नहीं है तो देगा ही नहीं क्योंकि ये तो एनओ है ये क्या होगा ये देगा सेकेंड डिग्री देगा लेकिन कैसा कंपाउंड बनाएगा इन बनाएगा और ये हमारा प्राइमरी है ये रिएक्शन भी देगा और कैसा सोल्ट बनाएगा सोल्यूबल भी बनाएगा अब एग्जाम में देखते हैं पूछता क्या है उसने बोला विच डिजोल्स इन एल्कली पूछा है उसने सोल्यूबल पूछा है तो मतलब प्राइमरी आंसर देना है आंसर जो है वो क्या हो जाएगा बेटा ऑप्शन डी हो जाएगा चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर सेवेंटी बोल रहा है जिंकोनियम जो है वो हमारा फोर का मेंबर है और हाफनियम जो है फाइव का मेंबर है डाउन द ग्रुप आते हैं साइज बढ़ना चाहिए था लेकिन बढ़ नहीं रहा है इसका रीजन क्या है क्योंकि बेटा जब हम 4D से 5D पे आते हैं तो हो क्या रहा होता है पहले हम 4F को फिल करते हैं लेंथी नोइड को फिल करते हैं जस्ट आफ्टर द दिंकोनियम के बाद हमारा हम उससे बाद फिलिंग करना शुरू कर देते हैं इसीलिए उनका साइज क्या होता है हाफलम से पहले लेंथनम आता है 57 और उसके बाद हम 58 से सीरियम भरना शुरू कर देते हैं फिर जाकर 72 पे आते हैं इसीलिए ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन देर साइज बिकम्स लेस और हम ऐसे इफेक्ट को क्या बोलते हैं, बोलते हैं। जाएगा। 71, that, अगर आपका नी, 2021 आपने दिया नहीं है या ये सोचकर दिया था कि चलो देकर देख लेते हैं मेन प्रिपरेशन नेक्स्ट ईयर करने वाले हैं तो बेटा इतना बता रहा हूं समय जो है वो बहुत तेजी से भागता है अभी लग रहा है ट्वेंटी तुम्हें तो पता ही नहीं लगेगा कब ट्वेंटी है। तो तो है। तो करते हैं है, अगर हमसे हमारे पास एक साल से भी कम समय छह महीने में तो हम सोचने का समय निकाल देते हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें, क्या क्या करें मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं है ना उसके बाद क्या करें उसके बाद जाकर टीचर्स के कमेंट सेक्शन में पूछें सर अभी तैयारी शुरू करें तो नीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू हो सकता है क्या तो टीचर बेचारा क्या बोलेगा हाँ बेटा हो सकता है आप पढ़ो तो सही यार हो जाएगा लेकिन सच्चाई यही है मेरे दोस्त अर्ली बर्ड बनिए शुरुआत से आप दो स्टेप आगे चलिए तभी कहीं जीत पाएंगे तभी कहीं लाइफ में आगे पहुंच पाएंगे तो 2022 और थ्री के लिए बहुत सारे सुपर बैचेस अकेडमी प्लस पर आने वाले आगाज बैच भी आ रहा है धांसू तरीके से पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी सब कुछ आपको घोल दे दिया जाएगा धमाल मचा दिया जाएगा करना क्या है सत्रह सेप्टेम्बर से शुरू हो रहा है पांच दिन का समय सोचने के लिए ले सकते हैं आरडीएक्स क्या होता है एक एक्सप्लोसिव होता है वो लगा देना बम फटेगा दस की जगह बीस परसेंट डिस्काउंट मिलकर तुम अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बात आई सर सर अगर मेरे को रजत सर अच्छे नहीं लगे आप अच्छा नहीं पढ़ाते तो मैंने फीस भर दी तो मैं क्या करूं

कि जब मन करे जिस बीच में मन करना है शुरू में किसी भी बैच में भी पढ़ सकते हैं डबल भी पढ़ सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं एम्स रैंकर बैच डॉक्टर आनंद मणि का आ रहा है साकार बैच आ रहा है मिधावी बैच आ रहा है, द्रीम, नीट द्रीम द्रीम का मैच आ रहा है। तो रहा है है ड्रीम 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 नीट का मैच तो मैं कह रहा हूं किसी भी बैच में तुम जा सकते हो और किसी भी बैच के रिगार्डिंग क्वेरी है तो मेरे से बात कर सकते हो फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन द एनी काइंड ऑफ काम लेकिन आपको हर बैच की इंफॉर्मेशन मैं दूंगा आई विल काउंसिल यू पर्सनली अगर आप फीस की बात करते हैं अगर आप प्लस फीस लेंगे तो दो साल की फीस आपको फिफ्टी के और एक साल की फीस आपको पड़ती है थर्टी फाइव के लेकिन यह फीस है प्लस प्लेटफॉर्म की लेकिन आज के दिन अगर मैं कहूं दुनिया का सबसे अच्छा बेस्ट एडटेक फैसिलिटी जहां पर ऑफलाइन ऑनलाइन हाइब्रिड टाइप आपको टच मिलेगी जहां पर आप वन ओ मेंटरशिप कर सकते हैं प्रिंटेड स्टडी मटेरियल ले सकते हैं और भी बहुत सारे अमेजिंग बेनिफिट तो आपको क्या करना चाहिए आइकोनिक सब्सक्रिप्शन चूज करना चाहिए जिसके दो साल की फीस नाइनटी के और एक साल की फीस जो है वो नियर बाई फिफ्टी फाइव के पड़ती है ये फीसिस तब पड़ेगी इतनी आ, शायद इससे भी कम पड़ेंगे ये नाइनटी के भी नहीं पड़ेगी अभी तो एक्स्ट्रा टेन परसेंट ऑफ चल रहा है तो आपको ये दो साल का सिर्फ इस नियर बाई एट्टी के में पड़ेगा और ये भी आपको नियर बाई फिफ्टी के में पड़ जाएगा तो डेफिनेटली दिस इज द हाई टाइम इनमें भी आपको ये थर्टी फाइव से कम में पड़ेगा या आपको फिफ्टी से भी कम में पड़ेगा क्योंकि अभी 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 अभी, अभी जंगल जंगल बात चली है पता चला है ना चड्डी पहन के फूल खिला क्या फूल खिला है? कि अभी आपको कुछ दिनों के लिए दो चार दिनों के लिए डेफिनेटली इस वीक तक ही चलने वाला है ज्यादा दिन नहीं चलेगा कि नीट यूजी का क्या हो रहा है टेन प्लस टेन परसेंट एडिशनल ऑफ मिल रहा है मतलब अगर आप आरडीएक्स कोड लगाते हैं तो आपको दस परसेंट ऑफ नहीं आपको कितने परसेंट ऑफ मिलेगा बेटा ट्वेंटी ऑफ मिलेगा कितना परसेंट ऑफ मिलेगा ट्वेंटी नोट टेन यू विल गेट ट्वेंटी ऑफ दिस विज पर्टिकुलर हर संडे को कॉम्बैट होता है इसके लिए मैं एनरोल जरूर करना है क्योंकि तो फ्री में भी पढ़ सकते हैं भैया अन अकेडमी प्लस पर ऐसा कुछ नहीं है बस आपको मार्क्स अच्छे लेकर आने में क्वेश्चन नंबर कोर्डिनेशन कम्पाउंड में सी एफ टी थी VBT थी इतने अच्छे अच्छे टॉपिक थे उसने क्वेश्चन किससे पूछा की कि डेंटिसिटी पे कि ईडीए के अंदर कितनी डेंटिसिटी होती है किस टाइप का लो मैं पूरा का पूरा ईडी बनाकर ही दिखा देता हूँ दिस इज इथाइलिन दिस इज डाई एंड दिस इज टेट्रा एसिटेट यहाँ पर आपका हेक्साडेंटेंट लीगेंड है जहां पर अमोनिया और चार ऑक्सीजन ये लीजिए आपके लिए पूरी की पूरी स्ट्रक्चर ही बनाती है दिस इज एग्जाडेंटेट लीगेंड विद फोर ऑक्सीजन एंड वन नाइट्रोजन एटम तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बोल रहा है कि एक एडिशन करवा रहे हैं एक एलिमिनेशन रिएक्शन करवा रहे हैं ए, अनुराग दीक्षित बोल रहे हैं सर बीस हजार रैंक लाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए नई ट्वेंटी ट्वेंटी वन में वो थोड़ा सा भी समय दीजिए है ना मैं अपने मुंह से कुछ भी बोल दू रैंडम तुम अपना प्रेशर लेना शुरू कर दो कि मेरे तो कम नंबर आ रहे हैं बेटा थोड़ा सा समय दो धीरे धीरे उसके रिगार्डिंग चीजें क्लियर होंगी अभी दो घंटे हुए हैं एग्जाम खत्म हुए अभी ऐसा आपको कोई बता रहा है तो वो भी सिर्फ स्पेक्यूलेशन है और मैं कहूंगा ऐसा ना ही तो गूगल कीजिए ना ही कहीं सर्च कीजिए और ना ही पता लगाने की कोशिश कीजिए क्योंकि ऐसा कुछ आप डायरेक्टली पता लगा नहीं पाएंगे लेकिन आप टेंशन जरूर ले लेंगे अब आप एग्जाम दे दिए हैं तो सब भूल जाओ आंसर की मैच करो अपने मार्क्स देखो और उसके बाद घोड़े बेचकर सो जाओ दबाकर खाना खाओ जो मैं कहता था ना पता नहीं जी कौन सा नशा करता है मैं बोल रहा था कि लस्सी का नशा आज नशा करके सोना है दबाकर खाना है दबाकर उसके बाद अपना जूस फ्रूट दूध जो भी पीना है खा पी कर मस्त सो जाओ छोड़ दो टेंशन कितने मार्क्स में कॉलेज मिलता है कितने में नहीं मिलता है कितने आ रहे हैं कितना रैंक आ रहा है छोड़ दो यार उन सबको सिर्फ पढ़ लिया मेहनत कर ली अच्छे से एग्जाम दे दिया यू डिड जो तुम बेस्ट कर सकते तुमने कर दिया और सब कुछ अब अच्छा ही होने वाला है चलिए यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या करवा रहा है वो अः टू ब्रोमो पेंटेन यहां पर है हमारा टू ब्रोमो पेंटेन दिस इज टू ब्रोमो पेंटेन और इससे बन क्या रहा है पेंट टू इन बोल रहा है बताओ ये बन रहा है क्यों बन रहा है तो बेटा सीधी सीधी बात है वाले है। तो स्टेबिलिटी के बारे में कौन बताता है सेडजफ रूल बताता है आंसर ऑप्शन बी हो जाए बिल्कुल आसान भाषा में चलिए आगे बढ़ जाए ऑर्गेनिक क्वेश्चन टिपिकल था टिपिकल मतलब मुश्किल था क्या देखिए इम्पेरिकल फॉर्मूला के इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं बट उसने नहीं बनाया उसने इतना इजी क्वेश्चन बनाकर उतने फुद्दू ऑप्शंस बना दिए ये बड़ी गड़बड़ कर दी उसने मान लो हमारे पास क्या है हमारे पास 100 ग्राम कंपाउंड है उसके अंदर 78 ग्राम हो गया है कार्बन और 22 ग्राम हो गया है हाइड्रोजन तो इसको हम ट्वेल्व से डिवाइड करेंगे इसको हम ट्रेल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो रेशियो है वो कितनी आने वाली है कार्बन के लिए हमारे पास आएगा सिक्स और हाइड्रोजन के लिए आएगा ट्वेंटी ये तो आ गया हमारा फॉर्मूला लेकिन सर ये सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है सिंपलेस्ट रेशियो करनी होगी तो क्या करना होगा सिंपलेट रेशियो करनी होगी तो इसको 6.6 से डिवाइड करेंगे फॉर्मूलाएगा सी वन एच थ्री पॉइंट क्या सी वन एच थ्री एट लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि अब क्या आंसर मार्क करें सी एच थ्री मार्क करें या सी एच फोर मार्क करें ऑप्शन बड़े ही बैडली डिजाइन थे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन फोर्थ मार्क किया गया है uh, मेरी जो पर्सनल स्पेक्युलेशन है वो थ्री पॉइंट सी एच थ्री के लिए लेकिन स्टिल कहूंगा ऑप्शन एक नंबर के फुद्दू थे इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं दिया जाना चाहिए एंड देर इज नो वे हाउ टू फाइंड आउट थ्री था या सी एच फोर था जो उसके पास पढ़ रहा था मैंने उसको मान लिया और आंसर को क्या कर दिया ऑप्शन फोर्थ कर लिया चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर हमारे को दिया गया है डाई मिथाइल अमाइन डाई मिथाइल अमाइन का मतलब क्या है सी एच थ्री ट्वाइस एन एच और प्लस दिया गया है एसिटिक एसिड इन दोनों की पी के ए और पी के बी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है और इन दोनों का क्या बन रहा है सोल्ट पहले तो ये बताओ दोनों के दोनों वीक वीक एसिड प्लस बेस हैं या नहीं है डेफिनेटली यहाँ पर आपको फॉर्मूला वही लगाना होगा दिस इज डाई मिथाइल अमोनियम सोल्ट प्लस दिस इज एसिटेट तो यहाँ पर ये यह क्या बन गया बेटा इसका सोल्ट बन गया सोल्ट के लिए वीक एसिड वीक बेस के लिए फॉर्मूला क्या लगता है ये वाला लगता है पीएच इज इक्वल टू सेवन प्लस हाफ पी के माइनस हाफ पी के बी पी के ए की वैल्यू भी दी गई है और पी के बी की वैल्यू भी दी गई है आपको बस इनको क्या करना है माइनस प्लस करना है वैल्यू पुट कर कर आंसर निकालेंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा आंसर आपको मिल जाएगा डी ऑप्शन हम यहां पर करेंगे सेवन प्लस हाफ पी के ए की वैल्यू हमें कितनी दी गई है पी के ए की वैल्यू हमें दी गई है 4.77 और माइनस थ्री पॉइंट इसको सोल्व करेंगे 7.75 पॉइंट सेवन फाइव विल बी द आंसर आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी सेशन को लाइव कर दिया गा सबने इतनी मेहनत करके टीचर संडे के दिन अगर मैं अकेला नहीं सभी टीचर्स ने मिलकर मैं टीचर्स भी नहीं मैं तो ये कहूँगा बैक सपोर्ट टीम प्लस टीचर्स ने मिलकर इतनी सारी मेहनत से आपके एग्जाम के बाद आपके लिए आंसर की लेकर आएंगे

और अगर इन केस मोनोमर की फॉर्मेट में अगर हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp होती है तो जब डाइमर बनाता बनाता है sp2 और पॉलीमर है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी चलिए ये मैं क्वेश्चन बड़ा ही धांसू था बोल रहा है एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है अब बोल रहा है उसका प्योरिफिकेशन करवाना है तो बताओ कौन से मेथड का यूज करें सीधी सी बात आती है जोन रिफाइनिंग कर सकते हैं क्या जोन रिफाइनिंग इज वन ऑफ द गुड मेथड टू प्योरीफाई यूज कर सकते हैं क्या जी नहीं क्यों नहीं कर सकते सोलिड के लिए होता है एक सोलिड के रोड बनाते हैं उसके ऊपर टेम्परेचर वाले एक रिंग को घुमाते हैं वैसे कर पाते हैं तो लिक्विड मेटल के लिए तो ये करवाना पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रोलिसी से कभी भी प्योर मेटल नहीं बनता है क्रोमेटोग्राफी तो मेटल्स के लिए यूज ही नहीं की जाती है डिस्टिलेशन इज द मैथ लिक्विड है तो हम उसका क्या करेंगे, distillation करेंगे क्योंकि बाकी सभी सोलिड है उनका ज्यादा हाई मेल्टिंग मर्करी को डिस्टिलेशन से ही सेपरेट किया जाता है और मर्करी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड इन नेचर भी होती है चलिए बात आती है हेग्जागोनल के अंदर टेट्राहाइड्रल वो कितने होते हैं उक्टाहाइड्रल वोड कितने होते हैं वैसे आपको पता होनी चाहिए टेट्राहेड्रल तो वर्ड जो होते हैं वो हमारे टू जेड होते हैं और जो होते हैं हमारे होते हैं तो डेफिनेटली हमसे पहले कौन से पूछा गया पहले हमसे टेट्राहेड्रल पूछा गया तो हम बारह बताएंगे और रोकटाहाड्रल पूछा गया छह बताएंगे तो आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा दिख तो ऑप्शन सी डी सी भी सही आंसर आए सी गलत है पहले टेट्रा के लिखने फिर ओक्ट्रा के लिखने क्योंकि यहाँ पर आपको लाइन से लिखने आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा चलिए आई के नेम का एक साधारण सा क्वेश्चन नाम दिया गया है, है। स्ट्रक्चर पूछ रहा चलिए मैं एक बार इसके नामांकन करता हूँ यहाँ से अगर करना शुरू करूंगा तो यहाँ से डबल बोन्ड को भी शोट, सबसे छोटा नंबर मिल रहा है लोंगेस्ट कार्बन चेन भी मैंने चूज कर दी है और अगर हम इसका नामांकन करेंगे तो यही नाम आएगा जो उसने दिया है क्या टू सिक्स डाई मिथाइल डेक फोर इन चार नंबर पर डबल बोन्ड है यहाँ पर टोटल कार्बन चेन कितने की है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस की आपकी टोटल चेन है चार पर डबल बोंड है आंसर आपका क्या आ जाएगा आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा चलिए एक बार थोड़ा जोश दिखा दो यार कोमेंट सेक्शन में कोई थम्स अप कोई हर्ट कोई खुशी थोड़ा एग्जाम अच्छा चल रहा है ना ऐसा तो नहीं है ना इस वजह से डिसलाइक कर कर चले जाएंगे सर आपके सेशन को क्योंकि हमारे क्वेश्चंस गलत हो गए हमने कुछ गलतियां कर दिया तो हाँ हम आपका डिसलाइक करेंगे अरे ऐसा नहीं है आपको बहुत मेहनत से आंसर की मचा रहे हैं मैं कह रहा हूं बेटा अगर आपका कहीं पर एग्जाम बिगड़ भी गया है भरोसा रखिए नेक्स्ट ईयर हो जाएगा बहुत मेहनत करेंगे ये बात आपको खुद से बोलनी है उसके अंदर सात एन अकेडमी की आपकी पूरी टीम देगी नए बैच प्लस के भी लॉन्च हो रहे हैं यूट्यूब के भी लॉन्च होंगे जल्दी तो डेफिनेटली आप उनका हिस्सा बन सकते हैं और आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा चलिए बोएल स्लो का आसान सा क्वेश्चन बोएल स्लो से इतना तो जानते हैं कि सर प्रेशर इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द वॉल्यूम और यू कैन से प्रेशर इज इक्वल टू अपॉन वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम होगा लेकिन एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दिस इज वैलिड थिंग बोल रहा है टेम्परेचर बदल रहे हैं तो कौन सा ग्राफ सही है बेटा ध्यान से समझिए बहुत ही आसान है यहां पर हम इतना बात भी तो जानते हैं ना कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ये बात भी तो हम जानते हैं ना जी एक वॉल्यूम ले लेते हैं लेट्स कंसिडर वॉल्यूम यहां पर एक हमने फिक्स वॉल्यूम मान ली ऊपर 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 हम डोट करके ले गए देखिए प्रेशर कहां पर कम आ रहा है बिल्कुल सही कम प्रेशर पर कम टेम्परेचर पर कम प्रेशर और ज्यादा टेम्परेचर पर ज्यादा प्रेशर आ रहा है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आंसर ऑप्शन ए होगा सर वाई द बी इज इनकरेक्ट मैंने कहा बेटा देखिए वॉल्यूम अगर हम फिक्स मान ले तो कम हाँ ज्यादा टेम्परेचर पर कम प्रेशर और कम टेम्परेचर पर क्या आ रहा है ज्यादा प्रेशर आ रहा है ऐसा हो सकता है क्या ये तो सरासर गलत है ये तो सरासर गलत है वाई दिस इज इनकरेक्ट ये बोल रहा है हर टेम्परेचर के ऊपर सेम ही प्रेशर आएगा ऐसा पॉसिबल है क्या जी नहीं टेम्परेचर बदलोगे प्रेशर बदलेगा और लीनियर ग्राफ तो बनता ही नहीं है और वो भी ये कह रहा है वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा अरे कैसे बेवकूफ थोड़ी समझाया हमें आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए आएगा चलिए शाबाश कीप दिस अप

प्रेशर कम आंसर क्या आ जाएगा इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर ऑप्शन बी आ जाएगा ये पीडीएफ में आपको ग्रुप में जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन रह गया है तो वो इस पीडीएफ के थ्रू मैच कर पाएगा यहाँ पर बोल रहा है, है? है? होशियारीएल टू का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता, होता है फिर आई uh, टू का, का होता है ये वाला ऑर्डर ध्यान आ जाता है और वो इस दिमाग को लगा देते हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा इसलिए पॉसिबल था क्योंकि दो फ्लोरिन के लोन पेयर में रिपल्शन थे अरे यहाँ पर भी कोई रिपल्शन आ रहे हैं क्या अरे सी एच थ्री एफ में भी कोई रिपल्शन आ रहे हैं क्या There are no repulsion, बगल वाले पे कोई पेयर ही नहीं है no तो बेटा स्मोलेस्ट का होने की वजह से बनाने वाला है तो बिल्कुल कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी बस इतना देखना था बोन्ड स्ट्रॉन्गर इज द बोन्ड हायर इज द बोन्ड एसोसिएशन एंडी आंसर इज गोइंग टू तो बी ऑप्शन सी फटाफट बताए समझ आ रहा है चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किस डाई एंगल पे कंफर्मेशन ऑफ इ जो है

फिर से फसाने वाला क्वेश्चन था लैंग्वेज में फसाने वाला, वाला क्वेश्चन था नोबल गैसेस की बात कर रहा है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है अरे erm, बाकी स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ क्यों रहे हो गैस है तो गैस का भी कभी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई हो हाई हो सकता है क्या अरे अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता तो वो गैस थोड़ी ना होती अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता तो वो गैस नहीं होती गैस इसीलिए है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है इनकरेक्ट पूछा है तो सी वाला बिल्कुल सही आंसर है कि बेटा हाई मेल्टिंग अरे इसका, हाई मेल्टिंग इसका हाई मेल्टिंग पॉरे पॉरे नहीं होगा इसका तो बहुत लो होगा बहुत माइनस में होगा इसीलिए वो क्या है नेचर इस सी नेचर आंसर ऑप्शन क्वेश्चन यहाँ पर है और इसके ऊपर किस ग्रिगनाड रिएजेंट का अटैक करवा रहे हैं मैग्नीशियम ब्रोमाइड का अटैक हमने करवाया है यहां पर अटैक हुआ है और बनेगा क्या बेटा सी एच थ्री यहां पर आएगा हमारा ओ एच OH यहाँ पर आएगा सी एच थ्री यहां पर आ जाएगा सी एच टू और यहां पर आ जाएगा सी एच थ्री दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज आफ्टर द टू स्टेप पहले और दूसरे दोनों स्टेप के बाद यह कंपाउंड बनेगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करेंगे यहां पर वन यहां पर टू यहां पर थ्री यहां पर फोर तो क्या आएगा टू मिथाइल ब्यूट एन टू ओल क्या नाम आएगा टू मिथाइल ब्यूट एंड टू ओल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा इज इट क्लियर टू एवरीवन फटाफट बताओ समझ आ रहा है नामांकन में कोई दिक्कत तो नहीं की है कहीं ना यहां से काउंटिंग करनी शुरू तो नहीं कर दी है पेंटेन थ्री ओल तो नहीं आ रहा है किसी का डेफिनेटली यहां से काउंटिंग शुरू होगी टू मिथाइल ब्यूटेन टू ओल अगेन अच्छा खासा क्वेश्चन बनाया जा सकता था फिर भी इतना आसान क्वेश्चन तुमसे पूछा लेवल एनटीए है ना लेवल एनटीए है यहाँ पर सीधा सीधा देख पा रहे हो कि रिएक्शन का नेगेटिव डेल्टा दिया गया मतलब रिलीज होगी यहां पर एनर्जी कंज्यूम होगी एंडोथर्मिक है यहाँ भी थोड़ी सी एनर्जी हमारी कंज्यूम ही होने वाली है ये भी एंडोथर्मिक है ओनली दिस रिएक्शन हेयर द प्रोडक्ट एनर्जी दिस इज एक्सोथर्मिक आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी

ट्रोपोस्फियर uh, का क्या करते हैं पोल्यूशन करते हैं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बी की तो बी हमारा क्या करवाता है ओजोन लेयर का डिप्लीशन करवाता है CaCO3 ये कौन सी रिएक्शन है सर जो ताजमहल हमारा चूने का बना हुआ है उसके ऊपर जब एसिडिक रेन का H2SO4 गिरता है तो यही रिएक्शन बनती है जिसकी वजह से वो पीला होना शुरू हो गया है दिस इज द रिएक्शन ऑफ द एसिड रेन रिएक्शन और ये जो NO2 का हमारा क्या बन रहा है स्मोक बन रहा है जिसको पैन बोलते हैं एक्रोनाइट्राइल का जो हमारा स्मोक बनता है पैन फोटो एक्टिव स्मोक बनता है तो यहां से आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं इस रिएक्शन के अंदर बोल रहे है, एक रिएजेंट क्या है दिस इज सिंपल सिंपल रिएक्शन यहां पर क्या लेते थे सी एओ लेते थे सीएओ प्लस एनओ एच लेते थे और इवन उसने अगर नहीं भी तुम्हें याद होता तो प्रोडक्ट बताया हुआ है कि बोल रहा है एन ए टू सीओ थ्री बन रहा है अरे अगर यहां से एक कार्बन एक गायब हो रहा है तो ये Na2CO3 बन रहा है तो आंसर क्या होगा फटाफट बताएंगे आंसर क्या होगा बेटा कैल्शियम ऑक्साइड होगा कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हम ऐसा करते हैं जो सीओ टू के साथ आप रिएक्शन चलिए बाकी सब का काम क्यों नहीं है ये सारे के सारे तो सर रिड्यूसिंग एजेंट है जिनकी यहां पर हमें कोई भी जरूरत नहीं हमें तो हीट के साथ सीओ टू निकालकर डिकार्बोक्सीन करवाने

प्रेशर ऑफ बेंजीन हमें दिया गया है टू एट्टी फिर हमें दिया गया है मोल 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 फ्रैक्शन ऑफ उसके कितने और दो, कितने दिए दिए गए गए हो दो टोटल हैं पांच और का प्रेशर कितना दिया गया है को यूज़ करोगे आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा अगेन बहुत सारी नेम रिएक्शन सारी ही सारी नेम रियक्शन एक क्वेश्चन में पूछ ली लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि जब आपको ऐसे कोलम मैच वाले क्वेश्चन आते हैं पूरा क्वेश्चन नहीं आता हो तो भी कर सकते हैं टेंथ क्लास तो अच्छे से पढ़कर आए थे ये तो जानते हो कि ये रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है कि सी का जो है वो फोर्थ आएगा इतना तो जानते हो ना टेंथ क्लास अगर पढ़कर आयो तो ये क्वेश्चन जानते हो हालांकि सारी की सारी कॉमन है लेकिन ये तो सबसे ज्यादा कॉमन है ना हाँ सिर्फ इतना भी जानते हो तो आंसर ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा इसके अलावा कोई भी आंसर आना पॉसिबल नहीं है दिस इज द दाटरमैन कोच रिएक्शन दिस इज द हेलोफोम रिएक्शन जहां पर आपने एन लिया है ये एन आपने प्रोड्यूस कैसे कर करवाया है जब आपने एक्स टू लिया है तब तो आपने एन बना लिया है तो ये आपकी हेलोफोम रिएक्शन है और लास्ट वाले की अगर हम बात करेंगे तो, तो भी आता भी याद हो तो क्योंकि पहला ऑप्शन है जिसमें सी कॉलम फोर के साथ मैच किया गया है बाकी कहीं भी नहीं किया गया सिर्फ इसके बेस पे भी आंसर हो रहा था चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नाइनटी इटार्ड रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है इटार्ड प्रोडक्ट नहीं पूछा है टोलीन से आ,

अरे इसको देखो इस बच्चे ने जिसने क्वेश्चन पेपर जिसका मेरे को मिला है उसने बी ऑप्शन आंसर मार्क कर रखा है एस्टर को भी रिड्यूस करवा रखा है और अल्टी हाइड को भी अरे ऐसा कभी होता है क्या एन ए बी एच फोर कभी एस्टर को रिड्यूस करवाता है क्या नहीं सेलेक्टिव रिडक्शन करवाता है लेस रिएक्टिव हाई सेलेक्टिव क्या काम होता है एन ए बी एच फोर का लेस रिएक्टिव हाई सेलेक्टिव एल और अगर हम बात करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हाई रिएक्टिव एंड लो सेलेक्टिव ये एस्टर का रिडक्शन नहीं सिर्फ एल्टीहाइड का रिडक्शन करेगा और आंसर आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ एल्टीहाइड का रिडक्शन करेगा बाकी किसी का भी रिडक्शन नहीं करने वाला है चलिए शाहबाश मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 92 क्या पूछ रहा है अरहेनियस का प्लॉट पूछ रहा है बेटा अरहेनियस का अगर प्लॉट पूछता है तो स्लोप होता किसके बराबर है स्लोप आपको दिया गया है माइनस फाइव इंटू टेन की पावर थ्री के बराबर होता क्या है माइनस ई एन आर ई ए आपको निकालना है आर uh, को उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी फाइव इंटू टेन की पावर थ्री इंटू एट की वैल्यू कितनी है एट पॉइंट थ्री वन फोर वैल्यू किस में आएगी जूल में किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो ये आपस में कैंसल हो जाएगा आंसर क्या आ जाएगा आपका भी बहुत अगर मैं बात करूं कुछ बच्चे शायद ये भी सोच रहे होंगे कि नहीं सर आपने क्लास में गलत पढ़ाया था आपने ये बोला था ई पॉइंट माइनस थ्री पॉइंट जी थ्रू आर होता है ये कब होता है डेफिनेटली ये तब होता है जब हम लोग K यहाँ पर एल एन के लिया है तो टू पॉइंट थ्री जीरो से डिवाइड नहीं करेंगे लोग लेते तो यहाँ पर डिवाइड करना पड़ता अभी के लिए आंसर ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर फिर से इस बच्चे ने गलत आंसर कर रखा आंसर एच आई दिया हुआ है जी नहीं अगर आपको डाई एजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनानी है तो आपको एसिड स्ट्रोंग एसिड नहीं बहुत ही वीक एसिड लेना होता है लास्ट ईयर 2021 में जब सेम क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था कि डाई एजोनियम सोल्ट से बेंजीन बनानी थी तो एसिड यूज करवाया था उसने एच यू नो दैट इज अ वेरी वेरी वीक एसिड अगर पानी भी डालते हैं तो बेंजीन नहीं बनता है, फिनोल बन जाता है। अगर हमें बेंजीन रिंग बनाना है अगर हमें डाइएजोनियम की जगह पर हाइड्रोजन लगाना है यहां पर तो आपको बहुत ही वीक प्रोवाइडर देना होगा एंड दैट इज इथेनोल सिर्फ इथेनोल इसको बेंजीन में कन्वर्ट करवा सकता है वोटर करवाएंगे तो वहां पर ओएच ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा ना कि आंसर क्या आ जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी आ जाएगा ठीक है चलिए

ऑप्शन तो फोर्थ होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो जब भी कोई चीज फैलती है फ्रीडम बढ़ती है फ्रीडम बढ़ती है डेल्टा एस बढ़ता है आंसर क्या होता है बोल रहा है इनमें से कौन सा आईसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है इससे आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता था आंसर ऑप्शन ए आ गया है क्योंकि एफ यू प्लस थ्री की एफ यू प्लस टू की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है थ्री डी सिक्स और एम एन प्लस टू की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है थ्री डी फाइव डेफिनेलेक्ट्रॉनिक एंड इट इज गोइंग टू बी द आंसर बाकी हम बी सी डी में देखेंगे तो वो सारे के सारे आईसो इलेक्ट्रॉनिक है इनमें दस इलेक्ट्रॉन है इनमें भी दस इलेक्ट्रॉन है और नीचे वालों की दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन थ्री डी फाइव रहेगी बाकी सब आईसो इलेक्ट्रॉनिक है

दिस इज दंड वैल्यू ऑफ अल्फा क्या अल्फा की वैल्यू पूछी है क्या नहीं वैल्यू किसकी पूछी है बेटा के ए की के ए की वैल्यू अगर वो आपसे पूछता है किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं के ए की तो आपको करना होगा सी अल्फा स्क्वेयर और अगर हम सी अल्फा स्क्वेयर करेंगे कॉन्सेंट्रेशन है जीरो पॉइंट जीरो सेवन अल्फा की वैल्यू है जीरो पॉइंट जीरो फाइव और अगर हम इसका करते हैं स्क्वेयर अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा दी गई थी इनफाइनाइट की एड करके निकाल दी दोनों को डिवाइड कर दिया अल्फा की वैल्यू पता मिल गई अल्फा को स्क्र किया सी से मल्टीप्लाई किया के ए की वैल्यू आपको पता गई बोल रहा है इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है

बाकी किसी में भी कैंसल आउट नहीं हो रहा है किसी की भी परफेक्टली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है कैंसल आउट नहीं होगा तो बाकी तीनों का डायपोल मोमेंट जो है वो वोम्यू नोट इक्वल टू जीरो आने वाला है जस्ट थ्री क्वेश्चन मोर फटाफट एक बार वीडियो को लाइक मार दो फटाफट वीडियो को लाइक बटन जरूर दबा देना दिस इज अगेन ए धांसू क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन अच्छे थे मुश्किल नहीं कहूंगा बस थोड़ी मेहनत आपसे मांग रहे थे यहां पर एफ किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस थ्री प्लस थ्री के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3D5. 3D5 के साथ साथ क्या दिया गया फील्ड लीगेंड दिया गया पेयरिंग हो जाएगी कितने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनपेड बचेंगे सिर्फ एक बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बचेगा बचेगा इतना मैग्नेटिक मोमेंट आएगा यहां पर आपका क्या दिया गया है अगेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d5 लेकिन क्या वाटर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होंगे पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेड होंगे आपका इतना मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा अगेन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा और इसका फिर हमारा कितना आ जाएगा ये क्योंकि FE हमारा लास्ट वाले में अगर हम बात करते हैं तो एफ हमारा प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट थ्री इज सिक्स में है वीक फील्ड लीगेंड है पेयरिंग करवाएंगे नहीं और थ्री डी सिक्स को अगर हम फिल करना शुरू करेंगे तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन बी गेट चार इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट समथिंग आएगा अब फटाफट मैच कर लो जरा फर्स्ट के साथ फोर्थ का और के साथ हमारा किसका हो रहा है ना फर्स्ट का तो आंसर जो है वो हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा सी के साथ आ रहा है फिर हमारा सेकंड का और डी के साथ आ रहा है हमारा थर्ड का आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट द सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन बोल रहा है टोटल प्रेशर बताना है

प्रेशर कैसे निकलता है प्रेशर निकलता है एन आर टी पुट कर दिया कूट दिया जाएगा मैं पहले बता रहा हूं ऐसे बच्चे को कूट दिया जाएगा क्योंकि उसने वैल्यू एक तो खुद से दे दी है कितनी जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो टू सेवनटी थ्री वॉल्यूम है वन लीटर मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपके पास आ जाएगा क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपके पास आ जाएगा तो एक बार के लिए रुकिए जरा मैं फटाफट इसको मेरे को आंसर uh, जो है थोड़ा सा स्किप हो गया है माइंड से तो क्यों ना हम इसे फटाफट कैलकुलेट ही कर लें फाइव पॉइंट वन एट द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन

एसिडिक नेचर डाउन द ग्रुप जाते हैं बढ़ता जाता है एच टू टी ई का सबसे ज्यादा होगा फिर हमारा एच टू एस ई होगा फिर हमारा एच टू एस होगा और फिर सबसे वीक एसिड हमारा एच टू ओ होगा लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि के ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पी के ए जिसका के ए ज्यादा है उसका पी के ए सबसे कम मिलेगा और जिसका के ए सबसे कम है उसका पीके सबसे ज्यादा मिलेगा तो वो बोल रहा है कि वोटर का पीके सबसे कम है और का सबसे ज्यादा नहीं ऐसा कदापि गलत है और ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है कैसा गया एग्जाम तो फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो इन द केमिस्ट्री पोर्शन 45 क्वेश्चंस करने थे हालांकि यहाँ तो पूरे 50 डिस्कस हुए हैं तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि 450 में से आपने उम्मीद करता हूँ होंगे क्योंकि वो मुरखता होगी उसमें लॉस ही होता है अगर आपने उससे ज्यादा की है ठीक है तो आपको क्या करना है बहुत अच्छी मेहनत करनी है और फटाफट बताना है वट्स गोइंग ऑन कितना स्कोर तुम्हारा पर्टिकुलर आज केमिस्ट्री में आ रहा है और कितना टोटल आ रहा है शाबाश शाबाश फटाफट बताइए जरा फटाफट बताइए चलिए चलिए शाबाश अरे यहां तो कुछ और ही चल रहा है कमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच उम्मीद करता हूं पूरी टीम की मेहनत आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में आफ्टर एंडिंग द वीडियो कमेंट सेक्शन में अपना अपना स्कोर और लेट्स क्रैक नीट यूजी की टीम के लिए अपने कॉम्प्लीमेंट्स थैंक यू नोट्स देना ना भूलें क्योंकि ये लाइफ का जो एटीट्यूड है वो नहीं होना चाहिए कि इफ यू आउट चाहे उसने आपको फी लेकर आपको पढ़ाया हो या फिर फ्री ऑफ कोर्स आपको पढ़ाया हो दोनों ही मोमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आज शायद आपका स्कोर इतना अच्छा गया है कि आज के बाद आपको तो लेट्स नीट चैनल पर ना आना पड़े तो इसके लिए जाने से पहले कॉमेंट सेक्शन के वीडियो में भर भरकर अपने कॉम्प्लीमेंट्स थैंक यू नोट सजेश्स और बाकी कुछ भी जो भी आप बोलना चाहते हैं उनको लिख सकते हैं 17 सितंबर से नया बैच शुरू हो रहा है और सिर्फ एक बैच शुरू नहीं हो रहा है आ, आ, नीट टॉपर्स की टीम का बैच शुरू हो रहा है लेट्स क्रैक नीट यूजी बैच की टीम शुरू हो रहा है आनंद सर का बैच शुरू हो रहा है तो 17 सितंबर की डेट को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिएगा अभी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए 10 प्लस टेन मतलब 20 परसेंट ऑफ का सिस्टम भी चल रहा है और 20 परसेंट ऑफ लेने के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं आरडीएक्स और अगर आपकी किसी भी टाइप की क्वारी क्वेरी है तो यू कैन रीच आउट टू मी फेसबुक पर रजत ढाका टेलीग्राम पर एट द ढाका किसी भी तरीके से आप मुझे ढूंढ मुझे मैसेज कर सकते हैं आई विल हेल्प यू आउट इन द ऑल पॉसिबल वे चाहे आपके एग्जाम की काउंसलिंग हो चाहे आपका आने वाली ट्वेंटी ट्वेंटी टू और थ्री की प्रीपरेशन हो आई विल ऑलवेज भी देर फॉर यू ऑल तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं थैंक यू सो मच सी यू नेक्स्ट उम्मीद करता हूँ आपका एग्जाम अच्छा गया होगा नहीं जैसा भी गया आज टेंशन मत लीजिए मस्त खाइए पियोर सो जाइए एक मुस्कुराहट के साथ एक स्माइल के साथ थैंक यू सो मच सी यू नेक्स्ट बाय बाय